सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे पास आए कुछ ट्रस्ट के वजह से आए हो, कुछ चीज़ें आपने मेरे पास देखी है, तभी अपना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरे पास आए हो। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले कि जो आपने प्रीशियस टाइम दिया है मेरे लिए या अपने लिए निकाल के लाए हो, इस चीज़ को मैं 100% फुलफ़िल करूँगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊँगा जिस वजह से आप लोग लॉस करते हो या फिर ये कह लो कि बड़े लॉस करते हो और छोटे प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। सो फाइनली आई एम गोना टू स्टार्ट माई सेल्फ, और दिस इज़ हरिंदर साहू, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो आपके स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा। और सर मेरे को टोटल 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर, और इस 12 साल के एक्सपीरियंस में 8 साल का मेरे को प्रोफेशनल एज अ ट्रेडर एक्सपीरियंस है, और रिमेनिंग अगर आप कैलकुलेशन करोगे 12 में से 8, इफ आई टॉक अबाउट आउट ऑफ 12, इफ आई कैलकुलेट 12 माइनस 8, टोटल 4 इयर्स आई गेव माई प्रीशियस टाइम और आई गेव माई गोल्डन टाइम टू दिस मार्केट टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन दिस मार्केट, हाउ बिग प्लेयर्स, बिग एफ आईज, बिग ट्रेडर्स, बिग 3 गुजू पीपल्स, और इफ आई टॉक अबाउट होलसेलर्स, और इफ आई टॉक अबाउट बिग 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 शॉर्ट्स ऑपरेटर्स, हाउ दे आर ट्रेडिंग इन दिस मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे को 3 से 4 साल लगे सर इस मार्केट में अपने पैर खड़े करने के लिए। तो इट्स नॉट अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। सब चीज़ अपने माइंड में डायरेक्ट डाल लीजिए, इस मार्केट में नथिंग इज शॉर्टकट। लास्ट तक मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट, और ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जो आपको ना किसी किताब में ना किसी यूट्यूब में मिलेगी। ये मेरा ओपन कमिटमेंट है, ओपन चैलेंज है आप लोगों से। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है, लास्ट तक रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा, आई विल शो यू द मैजिक, ठीक है। तो एनी हाउ आप लोगों को सबसे पहले मैं अपना फोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे को लगा समझने में स्टॉक मार्केट को, क्योंकि 2008 में सर कोई बताने वाला नहीं होता था स्टॉक मार्केट, कोई नहीं बताने वाला होता था कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। 2008 में अगर आप लोगों को याद होगा, उस टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट जो आजकल डिजिटल आते हैं ना, उस टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हार्ड कॉपी आते थे ब्रोकर के थ्रू, वो प्रिंट आउट निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देता था। तो उस टाइम बहुत कम लोग अवेयर थे। रिसेंटली एकदम से बूम हुआ स्टॉक मार्केट, लोगों ने पैसे कमाने की लालच बढ़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आया है, लोग जितना कमा रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अल्टरनेटिव ढूंढते हैं स्टॉक मार्केट को कि एक छोटा सा इनकम अगर साइड में मेरा ये निकल जाता है तो मेरे को अपने एक्सपेंसेस जो डेली के हैं वो चलाने में आपको आसानी होती है, राइट। तो एंड में टोटल आज की डेट में फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ मैं, और मैं मार्केट में लाइव देख के ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे स्क्रीन के सामने सिर्फ चार्ट चलते हैं और मैं टुक 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 टुक, जो बच्चों की दुनिया है आप लोगों की, कि एक स्टॉक को देखते रहते हो कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं वैसा कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को रात को पता चल जाता है कि कल मुझे क्या ट्रेड लेने हैं, और मैं एक गुजराती का एक कहावत है, भाई अपना भाव आएगा तभी हम काम करेंगे, तो मेरा भाव भगवान है, सिंपल। तो मेरा रेट पे जब वो प्राइस आएगा तभी मैं उस पर एंट्री करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट एंटर इन दिस मार्केट। जिसका पिन पॉइंट रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने देखा हुआ है, आप लोगों ने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह मेरे को फॉलो कर चुके हो, राइट। तो अगेन मेरे को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सारा लाइव ट्रेड परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने पहले मैं नहीं डालता था, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ आपको डालने लगा कि भैया मार्केट से पैसा बनता है और सीखो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से सीखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ओपन क्लास स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूँ, 86 मेंबर्स लाइव हैं मेरी क्लास में, मैं ये नहीं रहा हूँ मेरे से सीखो। आप जिसको भी फॉलो करते हो मार्केट में,
टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां भी जिसको भी फॉलो करते हो उसको 2-3 महीने प्रॉपर फॉलो करो, उसको देखो, समझो, सीखो क्या बताना चाह रहा है। अगर वो लाइव ट्रेड करता है अपने अकाउंट में तब मैं उसको समझता हूँ ही इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर वो ट्रेडर नहीं है, वो ट्रेड नहीं करता है, तो सर मार्केट में आपको भी बहुत सारा ज्ञान है। ओपन चैलेंज, आप लोगों को खूब सारा ढेर भर का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से आप पैसा कमा पाए नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एक दुश्मन है आपका, वो है आपका इमोशंस। सिर्फ एक ही दुश्मन है, बाकी सब छोड़ दो, आपके पास एक से एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज हैं, एक से एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज हैं, जितने मेरे पास नहीं है उससे ज्यादा आपके पास हैं। बट अगेन, उस स्ट्रेटजी पे आप काम कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो कहां फंस रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ आपका इमोशन, आप खुद उसके दुश्मन हो। यू आर द ओनली वन एनिमी हु कैन नॉट फाइंड आउट प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी, राइट? तो ये समझना साइकोलॉजी को मार्केट में बहुत जरूरी है। तो जिस दिन ये इमोशन वाला पार्ट अपन लाइफ से निकाल के साइड में रख दोगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। बट कंडीशन अप्लाई, 5 स्टार के साथ, जैसे आप होटल पे जाते हो लिखा था ना, कुछ भी लेते हो तो 5 स्टार लगा देते हैं, हिडन कंडीशन। जी तो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहा था सर, है छोटी सी बातें, अगेन आप सबको पता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस मार्केट, करेक्ट? सो ओवरऑल मेरा टोटल 8 ईयर्स का प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, ठीक है? नो ज्ञानबाजी, आप लोग ऑलरेडी इतना ज्ञान लेके बैठे हो कि आप लोग मुझे पढ़ा सकते हो, तो मैं अब डायरेक्ट चीजों पे आता हूँ। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है व्हाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट? आप लॉस कर रहे हो तभी मेरे पास आए हो, तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझना, एक एक चीज को समझना, आपकी लाइफ से ये रिलेट करता है, और जो मेरी इस चीज को समझ गया मार्केट में, उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगेन, कोई सॉलिड खबर है क्या? यही करते हो आप लोग? अपने पड़ोसी से पूछते हो, या मॉर्निंग वॉक पे गए तो स्टॉक मार्केट का जो कीड़ा है जिसके अंदर, जो ट्रेडिंग के बिना रहता नहीं है, उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से वो एक अपनी सेकंड वाइफ बना चुका है उसको, तो अगर मैं उससे बात करूं, आप लोगों में से कोई है तो आप लोग उठते बैठते खाते पीते स्टॉक मार्केट की बातें करते हो, लोगों को बताते हो कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उसने गलती से आपको कोई एडवाइस दे दी कि भाई ये वाला स्टॉक मेरे को सॉलिड खबर है, जैकपॉट न्यूज़ आया मेरे पास सोर्स से, और किसी ने इंटरनल न्यूज़ दिया है, और भाई कोई सॉलिड खबर है। इन्वेस्टिंग विदाउट डूइंग एनफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन टिप्स, इनडायरेक्टली उसने आपके माइंड में डाला, उसको भी किसी और ने बताया था, और वो थर्ड सोर्स क्या है किसी को नहीं पता। तो सर किसी के दिमाग से मत खेलो, अपनी खुद का रिसर्च करो, खुद का रिसर्च। आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो, दूसरे के कहने पे जल्दी आते हो, क्योंकि वो शॉर्टकट है। जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टकट किसी ने बोल दिया, ब्लाइंडली विश्वास किया, ट्रेड लिया, रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आवर फ्रेंड्स एंड ब्रोकरेज फर्म मे हैव मोर एक्सपीरियंस देन वी डू एंड हेल्प अस इन गेटिंग गुड स्टॉक्स, बट द पॉइंट इज नो वन एल्स रियली केयर्स अबाउट आवर मनी, मीन्स योर मनी, मोर देन वी डू, राइट? आप अपने पैसों को प्रोटेक्शन आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता इस मार्केट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो किसी के टिप्स पे सर मैं सब चीज देता हूं, मेरे पास एल्गो ट्रेडिंग है, ऑटोमेटिक बाय, ऑटोमेटिक सेल, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, मेरे पास टिप्स है, आप मेरे कॉल्स देखते हो, एक्यूरेसी लेवल पता है, मैं चिंदी टारगेट के लिए बिल्कुल नहीं बैठता, मेरे टारगेट हमेशा बड़े होते हैं। आपको
मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में भी पता है, एक उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी आपको दी है, अगर आप लोग उसमें से फॉलो करते हो तो आपको पता है मेरी उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी लेवल डेली बेसिस का। तो मैं हर फील्ड में हूँ, लेकिन आप सिर्फ मुझे एजुकेट करते हुए सुनेंगे, एजुकेट करते हुए प्रमोट करेंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि कोई टिप्स ले, क्योंकि टिप्स वो लेता है जो वेटर होता है। अपन वेटर को देते हैं ना टिप्स, तो आप लोग क्यों लोगों से मांगते रहते हैं यार कोई टिप्स दे दे, कोई टिप्स दे दे। बुरा मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए क्या आप गलतियाँ कर रहे हो। तो विदाउट डूइंग एनफ रिसर्च डोंट सिट इनटू द मार्केट, डोंट ट्रेड इनटू द मार्केट। चाहे कोई बंदा कितना बड़ा सॉलिड न्यूज दे, फॉर एग्जाम्पल आएगा जादू की छड़ी मिल जाए बॉस, जादू की छड़ी मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए, सर ऐसा कभी होता है? कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। शिवम सर मैं आपको अभी बताऊंगा उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी, नो नीड टू वरी अबाउट इट, लाइव दिखाऊंगा आपको उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी का, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, जादू की छड़ी मिल जाए बस, ट्राई टू मेक मनी क्विकली। अगेन मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आउट ऑफ 92 स्टूडेंट्स जो अभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो अभी मेरे को देख रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, सर सोचते हो ना ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे, आप में से 80% लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, क्यों? क्योंकि यार कम इन्वेस्टमेंट है और तुरंत पैसा मिल जाएगा और छोटा रिस्क है। अगेन स्टार्टिंग में ही बोला, थिंक लाइक अ ऑपरेटर, थिंक लाइक अ बिग शार्क, थिंक लाइक अ बिग बॉयज, थिंक लाइक अ थ्री गुज्जू पीपल्स, जो मेरे फेवरेट थ्री पीपल्स हैं गुज्जू, जो बड़ा सोचते हैं, राइट? तो कभी ये मत सोचो कि अपने इन्वेस्टमेंट पे तुरंत पैसा बना लूँ, कभी नहीं बना पाओगे, मैं भी नहीं बना पाता, मुझे भी नहीं पता कब मेरा टारगेट आएगा, बट मुझे मेरे लेवल्स पता है, ये लेवल पे आएगा मेरी एंट्री होगी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, वो कितने मिनट में आएगा, कितने घंटे में आएगा, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, मुझे नहीं पता, राइट? तो हमेशा फोकस करो कि क्विकली पैसा नहीं कमाना आपको, 5-10%, अगर 1,00,000 पे 20% आप 20,000 कमाने का सोच रहे हो, यानी 20% इंट्राडे होता है सर, आप तो फिर समझ लो म्यूचुअल फंड वाले कितना परसेंट देते हैं आप लोगों को, गाइस कितना परसेंट देते हैं, एनीवन कोई बोलेगा? इन अ ईयर 20% रिटर्न, 20% शादाब सर, राइट? इन अ ईयरली 20%, और आप एक दिन में 20% कमाने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कितने रॉन्ग ट्रैक पे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि हम लोग कितने रॉन्ग ट्रैक पे हैं, कि एक ही दिन में 20%, सॉरी यार बॉस कम ऑन, म्यूचुअल फंड नहीं कमा पा रहे आप कहां से कमा लोगे, थिंक लाइक अ ऑपरेटर, बार बार बोल रहा हूं, थिंक लाइक अ बिग शार्क, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर, जिस दिन उनके जैसा सोचने लगोगे पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है? दे ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम अ रिच क्विकली, ऑलवेज वॉन्ट टू बी लाइक वॉरेन बफेट, रिच एंड पावरफुल, फॉलो करते हो? सब करते हैं, राकेश झुंझुनवाला सब करते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ दे दी स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, वो कोई नहीं समझना चाहता। हाउ एवर वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड, क्या रहा है ये, वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड इज मिस्टर वॉरेन बफेट हैज मेड मेजोरिटी ऑफ हिज फॉर्चून आफ्टर हिज 50s, 50 के बाद उसने बनाया जो भी बनाया अपना अंपायर। इट्स अ फैक्ट that he got more than 90% of his wealth after the age of 50 and has accumulated a large sum his long-term investment for a period of 5 decades. So sir, time and patience. पैसा अपने आप आएगा, पैसे के पीछे मत भागो, दिन भर आप लगे रहते हो प्रॉफिट कमाओ ना, ये मत सोचो प्रॉफिट कमाना है, कभी नहीं कमा पाओगे, कोई चीज को चेस करोगे कभी वो आपके हाथ में नहीं आने वाली, वो आपसे उतना ही दूर भागेगी जितना आप उसके पीछे भागोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। थर्ड पॉइंट, सस्ता है ले लो। ऑप्शन ट्रेडर, हेलो ऑप्शन ट्रेडर, प्लीज एक्टिवेट हो जाओ, आपके लिए बात कर रहा हूं। सस्ता है ले लो, स्टॉक्स फ्यूचर्स में या कैश में सस्ता है ले लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है, ऐसे ही नहीं किसी स्टॉक को बाई कर लिया
और लॉन्ग टर्म समझ के उसको चला रहे हो भैया, प्राइस पे नहीं है, लॉस आया तो सोच रहे हो अरे अब ये तो लॉन्ग टर्म है, आधे से ज़्यादा 90% ऑफ लूजर्स डूइंग सेम थिंग, स्टॉक पकड़ा सस्ता देख के। अच्छा लाइव एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, बाई चीप स्टॉक्स इन होप्स ऑफ बिकमिंग अ मल्टी बैगर समडे, समडे कब वो समडे आएगा, जब आप निकल जाओगे, जब आपकी उम्र हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब आएगा वो समडे, ना किसी को नहीं पता वो समडे कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइव यू गाइज आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन प्रॉपर्टी ऑल्सो राइट, अभी मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ, आप मुझे आंसर देना उसका। अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एक प्रॉपर्टी आपका हाईवे पे है, बिल्कुल हाईवे पे टच पे है, जिसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपीज, और एक प्रॉपर्टी आपका किसी गांव के अंदर है जिसका कॉस्ट है 30 लाख रुपीज, आप किस में प्रिफर करोगे पैसा डालना, किस में करोगे, गांव में 30 लाख, हाईवे पे 50 लाख, किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, किस पे, हाईवे पे, हाईवे पे, हाईवे पे, हाईवे, करेक्ट, सबका आंसर हाईवे पे। क्यों सर, वाई 50 लाख और 30 लाख सर बहुत अंतर है, परफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट वैलिड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कोई और रीजन, रिटर्न अच्छा मिले सर, फर्स्ट पॉइंट हो गया, और कोई पॉइंट इसके अलावा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कम ऑन, थिंक लाइक अ ऑपरेटर, थिंक लाइक अ बिग शार्क, थिंक लाइक अ किंग रिसर्च, आई कैन डेवलप समथिंग कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट, लिक्विडिटी, अभय जी थैंक यू, माइंड ब्लोइंग आंसर, थैंक यू अभय जी, यू आर एक्टिव, आप अपना दिमाग का ढक्कन खोल के आए हो इधर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशीष जी पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेलिंग इन मच हायर देन अदर्स, परफेक्ट आंसर, लिक्विडिटी है कि नहीं, अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया है, कल इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने पैसा लगाया, जब मुझे पैसा चाहिए, जब मुसीबत में मेरे को जरूरत हो पैसा, आपका लिक्विडिटी तुरंत मिल जाए, इंस्टेड ऑफ मैं सेलर ढूंढ बायर ढूंढ रहा हूं, अरे कोई तो ले लो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे को पैसे की जरूरत हो, आर यू गेटिंग पॉइंट, तो लिक्विडिटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, महंगा है बट अच्छा है, अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करोगे पैसा आपको दे के जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी अच्छी जगह लोगे पैसा दे के जाएगा, खराब जगह लोगे मुझे नहीं पता है पैसा तो देगा, बट किसी को मालूम है CAGR क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय CAGR, एनीवन, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, परफेक्ट, किसी को इसका वंडर पता है, इसका लॉजिक क्या काम करता है, कैसे काम करता है, गाइस किसी को पता है सर, 10% अगर हो रहा है तो एक साल में पहले 100 पे 110 फिर 121 फिर 131 वाला ऐसा 10% उस अमाउंट पे हमेशा बढ़ता रहेगा, उस अमाउंट पे हमेशा। अच्छा चलो आओ एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है आ जाओ, इंटरेस्टिंग है, कान खोल के सुनना, ये सब आप इग्नोर करते हो तभी लॉस करते हो, और बिग ट्रेडर बिग शार्प प्लेयर वो इस पे बहुत फोकस करता है, मैं ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ सर, सो दैट आई नो द साइकोलॉजी ऑफ बिग प्लेयर्स, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, भले थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। गाइस आई एम नॉट चार्जिंग एनी सिंगल रुपीज टू यू राइट नाउ, बट आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट, जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना देता हूँ। CAGR क्या है, CAGR आ जाओ, ठीक है, फर्स्ट सबसे सेफेस्ट रिटर्न क्या है आपके लिए, आज की डेट में आप स्टॉक मार्केट में आते हो सबसे सेफ क्या है आपके लिए, यहां पे आपको बिल्कुल सेफ रिटर्न मिलता है, फिक्स डिपॉजिट, परफेक्ट, फिक्स डिपॉजिट कितना परसेंट रिटर्न देता है फिक्स डिपॉजिट में, 7%, ठीक है चलो आपका ले लिया, वाई स्टॉक मार्केट, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों सीखना जरूरी है, जस्ट थिंक अबाउट इट, आपका ले लिया मैंने 7%। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं GDP,
कितना है मार्केट में अभी जीडीपी, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डाटा डिस्क्लोज किया है, 7%। 7.8 परफेक्ट सर, एवरेज ले लेते हैं, ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 4%, इन्फ्लेशन 4% सर 4%। तो सर एक बात बताओ ना, जब आप 10 साल पहले, एक मिनट, 10 साल पहले, 5 साल पहले छोड़, 10 साल छोड़ो, 5 साल पहले एक दूध का पैकेट कितने का आता होता और आज कितने का लीटर है दूध? सब लोग पीते हैं, सबके घर में यूज होता है, राइट? आपके बच्चे ये लोग यूज करते हैं, सबके घर में पीते हैं। 5 साल पहले कितने का था दूध? ₹25 का, 20-25 रुपए का, राइट? और आज कितना का है? 60 रुपए 60 रुपए का अंतर देख रहे हो 5 साल में। दिस इज आई एम टॉक अबाउट रियलिटी, बुकिश नॉलेज छोड़ दो, रियलिटी पे आओ। तो इन्फ्लेशन अगर मैं मोटा मोटी कैलकुलेट कर लूं तो ऑलमोस्ट 7% का हमारे को आता है, बराबर? अब इसका टोटल कितना हो गया गाइस? 10% 12% 21%। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी मैं 20-21% की बात करता हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी वॉट एवर, मे बी म्यूचुअल फंड, मे बी FD, मे बी RD, मे बी डिबेंचर्स, मे बी बॉन्ड्स, वेयर एवर यू गाइज आर इन्वेस्टिंग इन दिस मार्केट, अगर आप ये रेट को डिफीट कर रहे हो तब सोचना कि आप पैसा कमा रहे हो, तब आप ग्रो कर रहे हो, रिच बन रहे हो। अदरवाइज अगर 21% का एनुअल के हिसाब से रिटर्न नहीं आ रहा तो समझ लेना आप सबसे बड़े गड्ढे में पड़े हो। FD में 7% कुछ नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड में 8-10% कुछ नहीं आ रहा है, 15% म्यूचुअल फंड दे रहे हैं फिर भी आप 5% गड्ढे में हो, क्योंकि 21% आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। अगर आज आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे की एजुकेशन 20 लाख है, कोई हायर एजुकेशन 20 लाख, तो आफ्टर कमिंग 10 ईयर्स डाउन द लाइन कितना लाख होने वाला है, कोई बता पाएगा? ऑर्डर टू 50 लाख, 50 लाख, 20 लाख कहां, आफ्टर 10 ईयर्स 50 लाख कहां? और एब्रॉड में अगर एजुकेशन का सोच रहे हो तो भूल जाओ, फिर 2-3 करोड़ की बात करो, फिर आज 1 करोड़ की वैल्यू है बाहर अगर पढ़ने जाते हो तो, और 10 साल बाद समझ लो 5 करोड़ के ऊपर। तो गाइस अगर आप CAGR जो अपना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो आपने बताया है अपनी लाइफ में, अगर आप 21% को डिफीट कर रहे हो, 20-21% का आप रिटर्न कमा रहे हो एनुअली, तब आप सोचना कि आप सही जगह पे हो, सही ट्रैक पे हो। इसके नीचे कहीं ना कहीं चल रही है पटरी, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी रिच नहीं बन पाओगे, बड़ा प्लेयर कभी नहीं बन पाओगे। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी ये आपको लॉजिक नहीं मिलने वाला। थिंक लाइक अ बिग शार्क, राइट? तो इसीलिए मैं कह रहा था, कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक, दैट इज व्हाट मैंने बात करी कि सस्ता है ले लो। बहुत सारे लोगों ने छोटा भाई, छोटा भाई बोले तो कौन है, अनिल अंबानी, कहते हैं सबको पता है सर, बोलने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी काफी है। तो अनिल अंबानी, ठीक है, उसके शेयर्स की हालत देख लो सर, कितने में इन्वेस्ट किया था, सुजलॉन है, PC ज्वेलर्स, यश बैंक, DHFL, क्या हो गई PNB, क्या हो गया इनको, मुझे पता है आप लोगों के कहीं ना कहीं यूनिटेक, यस, मुझे पता है आप लोगों के पोर्टफोलियो में आज भी होल्ड है, क्या उस पर रिटर्न आ रहा है उतना जो मैंने आपको अभी दिखाया CAGR का कैलकुलेशन, 20% का एनुअली निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, यानी कि आप अपने पैसे को गड्ढे में डाले हुए हो जस्ट बिकॉज ऑफ ये सोच के कि मल्टी बैगर बनेगा समडे। अरे समडे कभी नहीं आ रहा है, आप एवरी ईयर पीछे जा रहे हो। जो आज की रेट में पैसा बचा है ना, अगर 21% आप नहीं कमा रहे हो तो आप हर साल पीछे और पीछे होते चले जाओगे, तो भूल जाओ समडे कब आएगा, बहुत दूर हो जाएगी आपसे गाड़ी। ओके, आप समझ में आ रहा है सर, कुछ क्लियर हो रहा है टॉपिक, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस? यस सर नो?
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलिए तो यू मे हैव नोटिस पीपल दैट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दो स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग चीप. चीप है छोड़ दो, सस्ता हमेशा कचरा ही होगा सर, सिंपल भाषा में बोलता हूँ. तो हमेशा स्टॉक्स ऐसे चुनो जिसमें कोई दिक्कत ना हो. अच्छे स्टॉक्स, अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स ढूंढो. ट्रेड हमेशा अच्छे स्टॉक्स पे करो. निफ्टी 50, निफ्टी 100 अच्छे स्टॉक्स हैं. उनके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं निफ्टी के पैरामीटर में तभी आते हैं जब उसके अंदर जो पैरामीटर निफ्टी के सेबी के जो रूल्स गाइडलाइंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं. तो हमेशा पहला पॉइंट अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो. कोई आपको आके बोलेगा ना भाई ये मल्टी बैगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाथ जोड़ लेना, क्योंकि ये मल्टी बैगर मैं अच्छे स्टॉक्स में भी दिखा दूंगा आपको. अच्छे स्टॉक्स में भी मल्टी बैगर मिलेगा आपको. तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन आप ढूंढ लेना, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल का, सारे आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे. मैं कोई घटिया स्टॉक चुनता ही नहीं हूं, मुझे चाहिए ही नहीं. हो सकता है चल जाए, कोई सही है कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे रडार में वो नहीं आता है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा. अगेन हाईवे और गांव चूज आपको करना है, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड गाइज. बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सस्ता है मत लो, कोई कितना भी बोले. दूसरी चीज, फोर्थ पॉइंट, कभी ना कभी तो बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट ऐसी करते हो ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैंने यार, 10 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूं. अब समझ में आया सीएजीआर में कैसे आपकी पिटाई हो रही है. और होल्डिंग ऑन टू लॉसेस इन होप्स ऑफ टर्न अराउंड, होल्डिंग ऑन टू लॉसेस इन होप्स ऑफ टर्न अराउंड एंड बुकिंग प्रॉफिट्स अर्ली. किस किस के साथ होता है ये सब? यस और नो? किस किस के साथ होता है ये सब? सबको होता है सर, लॉसेस आता है. स्टॉप, सबको पता है स्टॉप लॉस का रूल. ऐसा नहीं है कि आप लोग गवार हो, ऐसा नहीं है कि आप गांव से आए हो. सर मैसेज में, चैट में लिखेंगे ना तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, मेरे को आंसर भी मिल जाएगा, सब लोग मैसेज में भी देख सकते हैं. तो चैट में आंसर दीजिए, कोशिश करिए चैट में देंगे, ठीक है. जब मैं बोलूं अपन वैसे बात करेंगे ना तब बात करेंगे. चलिए, सबको यही होता है ना, सबको पता है स्टॉप लॉस का रूल. कोई मैं ये नहीं समझता कोई गाँव से आया है, सबको स्टॉक मार्केट का रूल पता है भैया. प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तभी बेहतर है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है. रूल जो रूल बनाते हो ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट मत करो. जो रूल है उसको रूल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो. इंस्टेड ऑफ रूल को ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, वो नहीं करना है. जो बड़े लॉस पे यही गलती सबसे बड़ी करते हो, छोटा लॉस देने के बजाय आप लोग बड़ा लॉस देते हो, और बड़े प्रॉफिट लेने के बजाय छोटा प्रॉफिट लेके खुश हो जाते हो. घर में जाके पार्टी करते हो, वाइफ को बोलते हो अरे मैंने आज 10,000 रुपये कमाया, चलो पार्टी करेंगे, पिकनिक करेंगे, बीवी बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके जाते हो, कहीं घुमाने ले जाते हो, और अगले दिन जब झटका लगता है अरे यार सब चले गया, बीवी बोलती है कितनी बार मना किया ट्रेडिंग करने से फिर भी ट्रेड करते हो. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने लॉस को जितना कम से कम करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप सही जगह बैठे हो वो वहां से पिन पॉइंट होता है, वो वहीं से भागेगा, पीछे का रास्ता नहीं देखेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. कहां पे आप एंट्री लेते हो, 10 बार सोच के एंट्री लो, क्योंकि एंट्री लेने के बाद रिग्रेट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए. और वो कब नहीं होगा, जब आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो किया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मेंटेन किया है. 1 रुपए के एसएल के साथ 3 रुपए के लिए काम कर रहे हो, जाने दो लॉस, कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट ट्रेड में आप सारा कवर कर लोगे. जयवल सर दिस इज माय एक्चुअल रियल टॉपिक, इफ यू डोंट लाइक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट वांट टू गिव एनी हराश कमेंट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप मेरे साथ चलोगे तो आपको फायदा होगा, अगर आप मेरे साथ नहीं चलने वाले हो तो अभी तक आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं आपको बनी बनाई स्ट्रेटेजी भी दे दूँ ना, तो आपने कहावत सुनी होगी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. अमृत सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आप लेट हो रहे हो
तो प्लीज एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे साथ बने रहेंगे फायदा होगा, नहीं रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। आप समझिए दिस इज डेमो है सर, मैं खाली पीली अननेसरी 2-3 घंटे आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ सोच के दे रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा मुझे पे करो, लिया इसलिए और ये स्लाइड मेहनत करके लाया हूँ सर, कुछ भला हो जाए। और ये की पॉइंट्स हैं मेरे, दिस इज माई की पॉइंट्स, जो आप लोग इग्नोर करते हो, लाइट लेते हो, सोचते हो कोई स्ट्रैटेजी दे दे। अरे स्ट्रैटेजी भी दूंगा, लेकिन अगर आपको वॉर पे जाना है और आपको AK-47 दे दूं, चलाना नहीं आता, क्या करोगे? कब चलाना है, कैसे चलाना है, किस तरह से उसको होल्ड करना है नहीं पता, क्या करोगे? AK-47 लेके दिखाने के लिए लोगे, गोली कब लगेगी पता नहीं चलेगा। तो अगर वॉर में जाना है तो अपने आप को पहले प्रिपेयर करो, चलाना सीखो वेपन्स को, तब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे अपन। दूंगा 100% दूंगा, ठीक है? जो मेरे इस चीज़ से एग्री करते हैं अप्रिशिएट, जो नहीं करते हैं उनको भी अप्रिशिएट, बट सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समझिए चीज़ों को। आप मेरे पास आए हो और मैं जानता हूँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, सैटरडे है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरी भी फैमिली है, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ, बट स्टिल आई एम गिविंग गुड टाइम टू यू गाइज, ठीक है? चलिए, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। चलिए एनीवे कम टू द टॉपिक, कभी ना कभी तो बढ़ेगा सर, मत करिए ये गेम, कभी नहीं बढ़ने वाला, वो कभी नहीं आता है, ठीक है? लॉसेस पे काम करो, छोटे से छोटा लॉस लो, वो छोटा सा छोटा लॉस कैसे आता है वो मैं अपने सेशंस के अंदर आपको बताता हूँ, कैसे भाई, कहाँ स्टॉप लॉस, क्या टारगेट। और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4 होता है, तो अगर 1 रुपये का लॉस जाता है मैं हैप्पीली दे देता हूँ, हैप्पीली दे देता हूँ। लेकिन जब मेरा टारगेट होता है, आप लोगों को पता है किस तरह का टारगेट देता हूँ, और मेरे प्रॉफिट्स भी आपको पता है, अगर 6 लाख का प्रॉफिट 31 आपका मई को मैंने 6 लाख का प्रॉफिट M2M दिखाया आपको, राइट? बट इम्पॉर्टेंट इज आपके ना हाथ पर फूल जाएंगे, जैसे ही 50,000 का प्रॉफिट आएगा ना आपके अकाउंट में, यू गाइस क्विक बुक करोगे, क्विक, एक सेकेंड थॉट नहीं लोगे, एम आई राइट और रॉन्ग, यस और नो, प्लीज मैसेज बॉक्स में डालिए जल्दी, यस और नो। 50,000 का प्रॉफिट आते ही तुरंत बुक करोगे, 6 लाख का सपना भी नहीं देख पाओगे, गलती से भी नहीं सोच पाओगे 6 लाख का प्रॉफिट, am I right? Yes, सब लोगों का आंसर यस है, थैंक यू, दिस इज आंसर, ऑल आर टॉकिंग अबाउट यस, मुझे मालूम है सर, मैं भी आपकी तरह सोचता था, मैं भी आपकी तरह ही ट्रेड करता था। जब मैंने अपने ट्रेड की कॉपी में लिखा क्या गलती कर रहा हूँ, क्या है, तब 3 साल में समझ में आया कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, राइट? तो बड़े टारगेट्स के लिए फोकस करो, तभी 6 लाख नहीं 10 लाख का भी इंट्राडे प्रॉफिट आएगा। पहले ही आप छोटा सोचोगे तो कहाँ से बड़ा बनोगे? तो थिंक लाइक अ बिग शार्क, थिंक लाइक अ बिग ऑपरेटर। कभी बड़े प्लेयर्स छोटे चिंदी टारगेट के लिए नहीं बैठते हैं, वो बैठते हैं बड़े टारगेट्स के लिए, और आप लोगों को खिलाते हैं चिंदी टारगेट के लिए, चिंदी टारगेट आप लोगों को देते हैं जिससे कि आप डेली मार्केट में आओ और वो चिंदी टारगेट डेली कमाने का सोचो और पैसा उनको दे के जाओ। यू शुड बी अ डोनर, उनका हमेशा ये पॉइंट रहता है कि आप हमेशा मार्केट को डोनर बने रहो, और उनको जरूरत है आपके ऐसे डोनर्स की। तो थिंक लाइक अगेन बिग शार्क गाइस, स्टॉप लॉस छोटे से छोटा रखो। ओनली एडमिन जी पता नहीं नाम क्या है, ओनली विथ प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज एंड इमोशन कंट्रोल वन कैन वेट फॉर सच ह्यूज प्रॉफिट। यस सर, इमोशंस, हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशंस आएगा ही आएगा, कोई किसी का वो नहीं है उस पर कंट्रोल की इमोशन ना है, ओपन बोल रहा हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि इमोशन ना आए, वो ह्यूमन के अंदर ऑटोमेटिक है। एंड वी आर इंडियंस, तो इंडियंस के अंदर तो आपको पता है कितना इमोशन है, हर चीज के लिए इमोशन है, राइट? तो उस पर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, बट अगर मेरे को पता है प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री, बैंग ऑन दिस, बैंग ऑन, कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, छोड़ दो, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, बात खत्म, और खुशी खुशी ले लो उसको लॉस। क्योंकि अगर कभी ना कभी तो बढ़ेगा सोच लिया, तो वो आपको पीछे धकेलता चले जाएगा। एवरी ईयर यू आर इन डाउन ओनली, यू आर नॉट रिकवर योर लॉस, व्हाटएवर यू आर डूइंग और व्हाटएवर यू आर गिविंग इनटू द मार्केट, राइट? चलिए
Next topic. So sometimes a loss is best thing that can happen. It teaches you what you should have done next time. समझ रहे हो? Stop loss होना अच्छी बात है. It's a difficult for all of you except losses. Yes. Loss लेना बहुत difficult है. But जिस दिन loss लेना सीख गए ना, profit खुद ब खुद चल के आ जाएगा. This is very very important. Very very important. We keep thinking that a day it will bounce back and at least return of our investment. हम फिर यही सोचते हैं ना यार, एक बार अपने रेट पे आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे. कभी नहीं आता है. But this day never comes. By this day we are holding on to our losses which can further deplete your portfolio. पूरा wipe out हो जाता है. फिर आप बोलते हो market तो सट्टा है. आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भेड़ चाल, ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग. टीवी वालों को कितने लोग फॉलो करते हैं? टीवी वालों को कितने लोग फॉलो करते हैं गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर यू फॉलोइंग टीवी व्हाइल यू ट्रेडिंग? जब आप ट्रेड कर रहे हो तो कितने लोगों को कितने लोग टीवी फॉलो करते हैं? आपको एक मिथ, सच्चाई, जो कड़वा सच जिसको बोलता हूं वो बताऊंगा. यस सर नो? कोई बोलेगा? बोल सकते हो आप लोग? एनीवन? यस 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 सर. यस, थैंक यू थैंक यू सर. अब आ जाओ कड़वे सच पे. टीवी वाले, जितने लोग टीवी को देख के फॉलो करते हो ना, टीवी मैं भी देखता हूं, अंतर देखना. आप टीवी देखते हो उनमें से टेक्निकल एनालिसिस, मैं किसी अगेंस्ट में नहीं हूं, सब अच्छे हैं सब खराब हैं, कोई सही और कोई गलत नहीं होता है. हमारी सोच सही और गलत होती है. बट अगेन अपनी रिसर्च कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो. सही जने को फॉलो कर रहे हो, गलत को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, इतनी बुद्धि सबको दी है. अगेन सर, टीवी वाले बैठे हैं आपको दिखाने के लिए और वो वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो. अगर मैं बोलूं भाई एक एक्स वाई जेड बंदा और ए बी सी डी बंदा है, एक्स वाई जेड बंदा आपको साल का 50% देगा, 50% साल का पैसा बना के दे देगा, और एक बंदा बोलता है मैं आपको सर सिर्फ 20% प्रॉफिट बना के दूंगा, आप लोग सबसे पहले भागोगे 50% की तरफ. एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? राइट राइट राइट. क्यों? आपने उसका बैकग्राउंड नहीं देखना कि वो कौन है, क्या है, बढ़िया बंदा है या नहीं है. बस नाम उसने बोला 50%, तो आप लोग तुरंत भागने लगते हो. अरे 50% का रिटर्न दे रहा है यार, और उसने हल्का सा गलती से बोल दिया कि मैं आपको लिख के दूंगा, रिटर्न में लिख के दूंगा, तब तो आप सब भूल जाओगे, कुछ रिसर्च नहीं करोगे. अरे लिख के दे रहा है भाई, चलो उसके पास ही. बट लिख के तो देगा, नीचे बड़े बड़े 5 स्टार लगे होते हैं कि भैया सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. म्यूचुअल फंड वाले भी बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जबकि वो तो प्रोफेशनल है. क्यों बोलते हैं? सोचो समझो, खुद अपना दिमाग लगाओ. तो टीवी वाले वो ही करते हैं जो आपको देखना है, जो आप देखना चाहते हो. आपने सुना होगा कई बार टीवी वाले बोलते हैं आप देख रहे हो सीएनबीसी आवाज, आप देख रहे हो जी बिजनेस, आप देख रहे हो ये फलाना चैनल. अरे हमें पता है भाई, हम ये देख रहे हैं. जब स्टॉक हमारा, नोटिस करना आप, ये चीज नोटिस करना, होता है नहीं होता है बताना. जब एक स्टॉक हमारा ऑलरेडी यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खुला, ऑलरेडी स्टॉक ऐसे अप की तरफ जा रहा है, तब वो बोलते हैं यहाँ पे बाई करने के लिए. आपको कोई यहाँ नहीं बोलता बाई करने के लिए. जब स्टॉक ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा होता है तब वो लोग आपको बोलते हैं बाई करने के लिए. और जब आप अपने ब्रोकर को फोन करते हो या किसी को फोन करते हो बाई करने के लिए, तो 2-4 रुपये तो भागता है स्टॉक, नो डाउट भागता है, और आप बहुत खुश भी होते हो, अरे प्रॉफिट आया, मस्त रिकमेंडेशंस थी. लेकिन जैसे ही आपने यहां पोजीशन पकड़ी, स्टॉक धनाधन नीचे की तरफ आने लगता है. तो आपने काम किया सिर्फ
ऑलरेडी जो मार्केट अप था उसके लिए काम किया, आपने प्राइस को पकड़ने की कोशिश करी जो टीवी वाले आपको दिखा रहे हैं, और वहीं से मार्केट गिर जाता है। सब लोगों का ये आंसर जरूर आता होगा, या जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ तभी क्यों गिरता है, और जिसमें एंट्री नहीं लेता उसमें भागता चले जाता है, उसमें ऊपर शूटअप बन जाता है। तो ये रीज़न है टीवी वालों को ब्लाइंडली या किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वी हियर पीपल सेइंग भाई ये स्टॉक ले ले, इसमें अभी एक्स वाई जेड आदमी ने स्टेक लिया है। होप यू रिमेम्बर राकेश झुंझुनवाला जी ने एक स्टॉक था जिसमें उसने खबर निकाली थी, कुछ अच्छा मोटा इन्वेस्टमेंट किया, उसने 2% स्टेक लिया अपने प्रॉफिट में। अभी ये 6 महीने की पुरानी न्यूज नहीं है। कौन सा स्टॉक है किसी को याद है? किसी को याद है? जी कौन सा? जेपी इंफ्रा। नहीं 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 सर, बहुत फेवरेट स्टॉक है आप लोगों का, अशोक लेलैंड, सॉरी जेपी एसोसिएट। सर एक मिनट म्यूट कर लीजिए। जेपी एसोसिएट, आशीष जी यू आर राइट, जेपी एसोसिएट। होप यू रिमेम्बर, आप राकेश झुंझुनवाला का गूगल में डाल लेना सेशन को खत्म होने के बाद, और चेक कर लेना। उन्होंने बोला था उस टाइम प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 14 रुपए के आसपास चल रहा था, और उसमें एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, राकेश झुंझुनवाला जी ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना स्टेक इंक्रीज किया है अशोक लेलैंड में, जेपी एसोसिएट में, और आज रेट देख लो 6 रुपए 5 रुपए पे चल रहा है। क्या हुआ? इतने बड़े प्लेयर ने लिया, न्यूज में पूरा हिट हुआ, जो चैनल फॉलो करते हैं उन्होंने भी दिखाया, बहुत लोगों ने लिया। क्या हुआ? खुद देख लेना रिजल्ट, 14 पे रिकमेंड किया था और आज 6 रुपए पे 5 रुपए पे चल रहा है। पक्का स्टॉक चलेगा, एंड मैक्सिमम ऑफ एक्चुअली डज दिस, एंड दिस एक्चुअली लीड्स टू लॉस। तो ये चीज नहीं करना है। जब दुनिया भाग रही है, चीजों को पकड़ रही है, तब आपको उससे दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। जब दुनिया उसको रिजेक्ट कर रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उस स्टॉक पे बाई करने के लिए, तब उस स्टॉक पे पकड़ना है, क्योंकि आपने सही टाइम पे और सस्ते रेट पे उसको पकड़ा है। अच्छी चीज को सस्ते रेट पे पकड़ो, ना कि ऑलरेडी जो सैचुरेट हो चुका है अच्छी चीज वो पकड़ो। समझ रहे पॉइंट को? अब आ जाओ 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट। ज्यादा माल ज्यादा फायदा, कितने लोग करते हैं एक्सपोजर? जीरोधा में ट्रेडिंग करते हो, अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर भाई, हाई टाइम लिवरेज, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ये वो फलाना ढमकाना, आपके अकाउंट में 25,000 है, आप निफ्टी के 5 लॉट ले लोगे, कितने लोग करते हैं? एवरीवन सर, समझो एक बड़े FIIs के पास कितना पैसा होता है, कोई बता सकता है? सब मिलियंस में होता है उनके पास। अगर मैं FIIs की बात करूं, मिलियंस में पैसा होता है, और वो मिलियंस का अगर इस तरह से एक्सपोजर लेके काम करेंगे ना, तो सर मार्केट को रातों रात 1,000 पॉइंट निफ्टी को चढ़ा देंगे, रातों रात 1,000 पॉइंट निफ्टी अप। म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, रातों रात बढ़ा देंगे सर, सोचो। तो थिंक लाइक अ ऑपरेटर, ज्यादा माल ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। माल उतना उठाओ जितना आपका लॉस लेने का कैपेसिटी हो, सिंपल। कम रिटर्न आएगा वो अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ किसी ने बोला आपकी कैपेसिटी 1 लॉट की है, आपने बोला जैकपॉट है 5 लॉट लिया, एक ही दिन मार्केट में गायब करने के लिए आपको काफी है, पूरा अकाउंट वाइप आउट करने के लिए एक ही टिप काफी है आपके लिए। तो टेस्ट मैच की तरह खेलो स्टॉक मार्केट में, ना कि T20 की तरह खेलो। T20 की तरह खेलोगे विकेट चले जाएगा, तो मार्केट में दोबारा आने से 10 बार सोचोगे, फियर एंड ग्रीड पैदा होगा। तो थिंक लाइक अ टेस्ट मैच,
टेस्ट मैच की तरह, अगर मार्केट में सर्वाइव रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप आज नहीं तो कल पैसा कमा लोगे। अगर एक ही दिन में गायब हो जाओगे तो क्या कमाओगे, जो पैसा लाए थे वो भी चले गया, और वो पैसा आप अपने बोनस से लेके आते हो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी सेविंग करते हो उससे लेके आते हो। सोचो सर, वो हार्ड अर्न मनी है आपकी, वो दो नंबर का पैसा नहीं है आपका जो चले गया तो नुकसान नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक्स थी जो हम लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो आपको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा छोटा सा रूल्स की, ठीक है, थोड़े से रूल्स की मैं बात करना चाहूंगा अभी यहां पे, कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं रूल, सिर्फ मैं रूल की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थिंक लाइक अ ऑपरेटर, थिंक लाइक अ बिग शार्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अगर आपने, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप लोग, लार्ज प्रॉफिट पे काम करो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, लार्ज प्रॉफिट के लिए काम करो, बड़े प्रॉफिट के लिए काम करो, प्लस स्मॉल प्रॉफिट के लिए काम करो, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट के लिए काम करो। अब दूसरी साइड बात करूंगा, स्मॉल सबको पता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, स्मॉल लॉस के लिए काम करो। एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा, लार्ज नो लॉस, लार्ज लॉस के लिए काम करो, एम आई राइट, लार्ज लॉस के लिए काम करो, एम आई राइट, नो नॉट राइट, नो नो, एग्जैक्टली गाइस, समझो। अब देखो ये चीज, स्मॉल लॉस के लिए आपने काम किया, आपने काम किया स्मॉल लॉस के लिए और लार्ज लॉस के लिए काम किया, तो आप पैसा कभी नहीं कमा सकते हो, नेवर एवर यू विल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दिस मार्केट। हमेशा काम करो इसके लिए, बड़ी चीज के लिए, बड़े प्रॉफिट के लिए, स्मॉल प्रॉफिट के लिए काम करो, सिंपल सिंपल एंड शोबर। तो इंपॉर्टेंट इज स्मॉल लॉस एंड लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ये तीन पॉइंट माइंड के अंदर डाल लो। ये जो लार्ज लॉस वाला पैरामीटर है इसके ऊपर बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, ये चीज नहीं करनी है। अब सेटअप आपके पास है, आपकी खुद की भी है, उसके अंदर बस ये तीन चीज को अप्लाई करो, ये लार्ज लॉस वाला जो है इसको निकाल दो, पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग रूल बनाओ, एक रूल कि आप डिसाइड करो, आप डेली चार्ट में, मतलब घंटे भर में ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि आप आर्ली ट्रेड करना चाहते हो या डेली ट्रेड करना चाहते हो या वीकली ट्रेड करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि स्टॉक में फंस गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच लिया, अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आएगा तब निकल जाऊंगा, ना, यू शुड बी फोकस्ड। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल अगेन, सर मुंबई में जितने लोग रहते हैं, अगर मैं वो दिल्ली का एक बंदा उसको मुंबई में भेज दूं, ठीक है, एक बंदे को मैंने, दिल्ली के दो बंदे हैं, एक दोनों को मैंने मुंबई में भेजा, एक को मैंने जीपीएस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भेजा, गूगल मैप के साथ भेजा, और दूसरे को रैंडमली भेजा और उसको बोला भैया वहां पहुंच जा, कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा परफेक्टली, GPS. क्यों क्यों जीपीएस वाला क्यों पहुंचेगा, बॉस ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जैक्टली। तो लाइफ में फोकस करो, अगर आपका फोकस क्लियर है कि मेरे को डेली ट्रेड करना है तो डेली, घंटे का ट्रेड लेना है तो एक घंटे में मेरा टारगेट आना चाहिए, पांच मिनट में ट्रेड करना है तो पांच मिनट में, एक मिनट में ट्रेड कर रहा हूं तो एक मिनट में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर किसी बंदे को आपको, मैं एक प्रॉपर चीज, एक प्रॉपर एनालिसिस आपको दे दूंगा तो यू आर फोकस्ड, तो आप फोकस्ड रहोगे, और जब फोकस्ड रहोगे
आपका टारगेट आराम से आप पहुंचोगे, कोई आपको बंदा रोक नहीं सकता आपके गोल तक पहुंचने के लिए। तो उस चीज के लिए काम करो, राइट। तो जो गोल है, हमारा गोल कितना है, कितना बताया था, हमारा एनुअली गोल कितना है हमारा, व्हाट इज हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमने सीएजीआर की बात करी थी, सीएजीआर की बात करी थी, एग्जैक्टली 20% रिटर्न के लिए काम करना है, ये हमारा गोल है एनुअली। उससे ऊपर आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना आना ही आना चाहिए। अगर इसके नीचे नहीं आ रहा है तो समझ लो आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं हो गाइस। आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन 20% मुझे पता है इतना से ज़्यादा आना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाऊंगा, तभी आप मार्केट को बीट कर रहे हो और सक्सेसफुली मार्केट से पैसा कमा रहे हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, अब एक और लॉजिक, एक और रूल, ये साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, हाँ साइकोलॉजिकल की बात करूं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वॉट एवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यू हैव, वॉट एवर, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, बट इम्पॉर्टेंट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, मार्केट में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सेटअप मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ बाई कर रहे हो, कहाँ सेल कर रहे हो, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेश, प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग सेटअप। दूसरा वैलिड पॉइंट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कान खोल के ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को बोर लग रहा होगा लेकिन पैसा कमाना है, थिंक लाइक अ ऑपरेटर, थिंक लाइक अ बिग ट्रेडर। रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं जो मोस्टली रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूं, व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड, एनीवन कोई बता पाएगा रिस्क रिवॉर्ड क्या है? रिस्क रिवॉर्ड यानी कि आपका अगर एक रुपए का रिस्क है तो मेरा 3 रुपए का टारगेट होना चाहिए, जाने को 1 रुपए जाए, आने को 3 रुपए आए, दिस इज माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। अब देखो इसका मैजिक, अगर इस, अच्छा स्ट्राइक रेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइक रेट कोई बता पाएगा स्ट्राइक रेट होता क्या है? सक्सेस रेशो। आप लोग बात करते हो ना, लोगों के मुंह से भी सुनते हो, टिप्स वाले आपको फोन करते हैं तो बोलते हैं, आप लोग पूछते हो सर एक्यूरेसी लेवल क्या है, एक्यूरेसी लेवल के पीछे आप लोग भागते हो। सबसे बड़ा गलती गाइस, अगर मैं आपको बोलूं भाई कोई एक्स वाई जेड बंदा है उसकी एक्यूरेसी लेवल 90% है और एक बंदे की एक्यूरेसी लेवल 50% है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, विच वन इज गुड? हाँ जी 90% वाला, राइट। बट अगेन मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मेरे सारे स्ट्रेटेजी का मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, अगर 50% लॉस एंड 50% अगर मेरा सक्सेस है, 50% लॉस यानी कि 10 में से 5 कॉल मेरे टारगेट होते हैं, 5 कॉल में स्टॉप लॉस होता है, यानी कि 50% की एक्यूरेसी। इफ आई टॉक अबाउट 50% एक्यूरेसी, पैसा बनाओगे नहीं बनाओगे, एनीवन आप लोग पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे बताओ? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, आप यहाँ पे सही हो सर। एक्यूरेसी लेवल के पीछे मत भागो, कोई बंदा 100% नहीं दे सकता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी लेवल के पीछे भागते हो, मत करो काम। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपका प्रॉपर है, अगर मैं इसी में रिस्क रिवॉर्ड रेशो आर आर रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 अप्लाई कर दूं, आई मीन टू से यानी कि
आउट ऑफ 10 कॉल्स, जो मैं 10 कॉल आपको दे रहा हूँ, 10 में से 5 कॉल में टारगेट हो रहा है, 5 कॉल में स्टॉप लॉस हो रहा है, तो सपोज 1000 रुपीज ईच, तो 5000 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ, राइट? और मैं कमा कितना रहा हूं, 5 कॉल में मेरे को फायदा हुआ बट 15000। यानी कि आप कैलकुलेट कर लो सर, आप कैलकुलेट कर लो, 15000 माइनस 5000 का लॉस, हाउ मच आई एम गेटिंग नेट प्रॉफिट? नो, रॉन्ग। कोई और बता पाएगा? एनीवन? यस, वेरी नाइस, माइनस ब्रोकरेज। सर ये भूलना नहीं है आपको, माइंड में हमेशा रखना है भैया, ब्रोकरेज भी देनी है, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है, राइट? यस सर। हेलो, यस सर, रिपीट प्लीज। या सर, इफ आई विल टॉक अबाउट सक्सेस रेशियो इज ओनली 50%, यानी कि एक्यूरेसी लेवल इज ओनली 50%। सो आई विल टेक एन एग्जांपल, आई विल गिव यू इन अ मंथ 10 कॉल्स, एंड इन 10 कॉल्स, आउट ऑफ 10 कॉल्स, 5 कॉल्स आई एम गेटिंग टारगेट एंड 5 कॉल्स आई एम गेटिंग लॉस, ओके? बट इफ माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3, सपोज 1000 रुपीज आई एम टेकिंग एज अ रिस्क, एंड 1000 मीन्स आउट ऑफ 10 कॉल्स यू मेड अ लॉस ऑफ 5 कॉल्स, एंड ईच रिस्क इज 1000 रुपीज, तो टोटल लॉस इज 5000, एंड माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मीन्स रिवॉर्ड इज 3, आई मीन टू से 3 × 1000, हाउ मच आई एम गेटिंग? 3000, एंड हाउ मच सक्सेस वी गॉट? 5 कॉल्स, तो 3 × 5 15000, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5000 वी बुक लॉस एंड 15000 वी बुक प्रॉफिट, सो टोटल 15000 माइनस 5000 10000 इज कमिंग, एंड इफ आई टॉक अबाउट 2000 यू गाइस आर गिविंग ब्रोकरेज, तो इट विल बिकम्स अराउंड ऑलमोस्ट 8000 नेट प्रॉफिट। This is, I am talking about 50% if you will get any accuracy level, the strategy is thumbs up, thumbs up, आपके पास है strategy, मुझे पता है, but काम कैसे करना है नहीं पता है, AK-47 दे दूंगा, लेकिन कैसे उसको चलानी है, कब नहीं चलानी है, किस angle से चलानी है वो नहीं पता, अगर आप गलत तरीके से चलाओगे ना, shoulder बाहर आ जाएगा, तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, this is most important point guys। तो ये मत सोचो अरे एक दिन स्टॉप लॉस हो गया, एक दिन टारगेट आ गया, फिर स्टॉप लॉस हो गया, अरे बकवास है, बंदा खराब है, अरे भाई इम्पॉर्टेंट इज कितने का प्रॉफिट दे रहा है, कितने का लॉस दे रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसी में अगर 90% एक्यूरेसी लेवल आ जाए तो आप नेक्स्ट लेवल पे बैठे हो, यू आर अ गॉड इन दिस मार्केट, अगेन ये मेरा सेंटेंस रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज नोट कर लो, भले आप मेरे से क्लास लो ना लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% CAGR को अचीव करना है स्टॉक मार्केट से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल टूल, पावरफुल एनालिसिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, करेक्ट? अगर 60% एक्यूरेसी लेवल है और अच्छी बात, 70% है और अच्छी बात, 80 वो तो अच्छी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट टू वर्स्ट, 5 लॉस 5 टारगेट, बट If you will talk about 1:3 is a risk reward ratio, it will be wonderful, wonderful, amazing return you will get in this market. Right? तो psychology 80% market में काम करती है, only 20% 25% आपका trading setup, यानी कि आपका कहने का मतलब है proper buying and stop loss, यानी कि आपके पास प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी है, वो सिर्फ 20% काम करने वाली है, रिमेनिंग 80-75% सिर्फ साइकोलॉजी का काम करता है। कैसे यार, 2000 का प्रॉफिट आ रहा है, निकल जाऊं क्या, अरे 5000 का लॉस आ जा रहा है, अरे बुक करूं क्या, नहीं करता हूं, है ना, प्रॉफिट आ रहा है, आप किसी को, आपको किसी किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप तुरंत निकल जाते हो, जैसे ही लॉस आता है ना तब दूसरे की तरफ भागते हो, यार किससे पूछूं क्या करूं, उल्टा करो सर, जब लॉस आए ना किसी के पास मत जाओ, तुरंत क्विक बुक योर लॉस, क्विक, इमीडिएटली यू कैन बुक योर लॉस, 1:3 का पैरामीटर सेट है, जैसे ही हमारा वन का स्टॉप लॉस आया, इमीडिएटली यू कैन बुक योर लॉस, डोंट
गो हियर एंड देयर, डोंट कॉन्टेक्ट एनीबडी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुरंत बुक करो। लेकिन जब टारगेट आ रहा हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बैंग ऑन, तभी 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे कमाओगे। सर जब बीमार होते हो ना, तभी एडवाइजर के पास जाते हो ना, वो डॉक्टर के पास जाते हो। यहाँ स्टॉक मार्केट में अगेन बोल रहा हूँ, जब लॉस कर रहे हो इमीडिएट निकलो, वेट मत करो कि और बीमार हो जाओ। जब प्रॉफिट आ रहा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरा 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और वो आएगा ही आएगा। ये मैं आपको दूंगा अपनी क्लास के अंदर, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, हर एक चीज पिन पॉइंट बताऊंगा, ये बाई, ये सेल, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, और मैं अपने चार्ट से दूंगा। मेरी क्लास में होमवर्क होता है डेली, जो मैं पढ़ाऊंगा अगले दिन आप होमवर्क करके लेके आओगे, और आपके मैं कॉपी चेक करूंगा सबसे पहले। और जब आप लोग होमवर्क करके लेके आओगे ना, क्योंकि अभी तक आपने नोटिस किया होगा, जो लोग अटेंड कर चुके हैं सेमिनार, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग सेमिनार अटेंड करते हो, आपको सिखाने वाला फ्यूचर में कोई नहीं होता है। क्योंकि जब सीखते हो ना, 2 दिन का सेमिनार अटेंड करते हो, तब आपको सब समझ में आता है। जब अप्लाई करते हो ना, 10 तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं, 10 रावण के 10 सर खड़े हो जाते हैं, भाई इसमें हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करूं। तब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट टीचर की आपको ज़रूरत होती है। तो ये मेरी क्लास का खासियत है, ऑनलाइन क्लास का 10 दिन आपको होमवर्क क्लास होगा। जो मैंने आज आपको टॉपिक सिखाया, अगले दिन आप वो होमवर्क करके लाओगे, आपका चार्ट बना के लाओगे, क्योंकि मैं अपने चार्ट तो सारे अच्छे ही दिखा दूंगा, बट आप जब अपने माइंड से चार्ट बनाओगे, और फिर मैं उसमें आपकी गलतियां या अच्छाई दिखाऊंगा, तब आपका दिमाग खुलेगा। यार ये तो अलग ही चीज है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। और जब 100 चार्ट डेली हम लोग देखेंगे, 100 चार्ट डेली हम लोग आपके बनाए हुए चार्ट हम लोग देखेंगे, और एक ही चीज बार बार देखेगी, आपको समझ में आएगा, यार ये तो हमारे सामने से निकलती थी, हमने ट्रेड नहीं करते थे। और स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है सर, ओपन बोल रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है। स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट में वही चार्ट चल रहा है, मुझे दिख रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बस ऑब्जर्वेशन है, वही स्ट्रैटेजी बन जाती है। और ये रूल जो मैंने बताया, इसको अप्लाई कर दो, नेक्स्ट लेवल, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी न्यूज चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, किसी टिप्स वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, और किसी का, अच्छा किसी का डाउट, किसी का क्वेरी, सर स्ट्रैटेजी पर आने से पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले किसी का डाउट, किसी का क्वेरी, कोई भी सर, कोई अपना एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया वो शेयर करना चाहता हो, मार्केट में कब से कर रहे हो, लॉस किया प्रॉफिट किया, या कहीं ऑलरेडी सीखे हो, समझ में आया नहीं आया, या मेरी कोई चीज़ अच्छी लगी आपको, नहीं लगी, कि मेरे को जो फॉलो करते हो क्या आपके एक्सपेक्टेशंस लेवल है मेरे से, कि मैं आपको क्या देना चाहूँ तब आपको लगेगा कि यार वाकई में यहाँ कुछ अच्छा है, कुछ भी बताना चाहोगे मेरे बारे में, कब से फॉलो कर रहे हो, एनीवन? या सर वन बाय वन, बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा, वन बाय वन। मैं बोल रहा हूँ ये रिस्क एंड रिवॉर्ड जो 1:3 का बोल रहे हो, वो ये तो सही है, लेकिन जस्ट वांटेड टू नो कि प्राइस के अगेंस्ट कितने परसेंटेज में ये होना चाहिए, यानी आप बोल रहे हो 1 रुपए, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए, यानी मयूर जी थैंक यू सो मच, आपने पूछा, मैं आपको अच्छी चीज दूंगा, और देखो कैसे होता है काम। इसीलिए बोलता हूँ इंट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन वे इंट्रैक्शन होगा कुछ समझ नहीं आएगा, टू वे इंट्रैक्शन होना चाहिए। मैंने कुछ बताया, आपका क्रॉस क्वेश्चन आया, पूछो ना, एक्सपर्ट बैठा है आपके सामने, सर सारे क्वेश्चनों का आंसर लाइव दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है आ जाओ। तो पॉइंट इज, हमें कैसे पता चलेगा, एनीवे तो कम टू द पॉइंट सर, छोटा सा झलक, मैं अपना झलक दिखाऊंगा, मैं आपको क्लास में क्या देने वाला हूं, और किस तरह से आपको प्रेडिक्ट होगा, किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा, किस तरह से चीजें पकड़ी जाएगी। प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, यस और नो में बता सकते हैं, प्लस अनम्यूट करके वन बाय वन अपना आंसर दे सकते हैं। सर एक स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, आज इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, आई विल टॉक अबाउट ओनली इंट्राडे राइट नाउ। द प्राइस इज, कोई भी स्टॉक ले लो, एनीवन, कोई भी स्टॉक बताओ जल्दी गाइस, रिलायंस, ओके सर, वन ओनली वन रिलायंस, ओके कितना प्राइस चल रहा है, एनीवन कितना प्राइस चल रहा है,
1320 1320 1320 1320 ठीक है, चलिए अब म्यूट 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 गाइस म्यूट। रिलायंस का प्राइस, रिलायंस का प्राइस 1320 का आपका चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट कि आप अपना चार्ट खोल के बैठ जाओ, म्यूट कर लीजिए, ये मत सोचिएगा अपना चार्ट लेके बैठ जाओ, बस मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ आप कहाँ गलती कर रहे हो और आपका ढक्कन खुलना क्यों जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब ये 1320 का प्राइस आज ये खुला मार्केट में, सर म्यूट कर लीजिए प्लीज गाइस म्यूट कर लीजिए, है ना, मार्केट में खुला, स्टॉक इज गोइंग अप कमिंग डाउन गोइंग अप कमिंग डाउन गोइंग अप कमिंग डाउन गोइंग अप कमिंग डाउन। ठीक है, ये जो लेवल था ये आपका कौन सा ब्रेकआउट है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 15 मिनट्स ब्रेकआउट। ठीक है, ये जो लेवल था आपका ये 15 मिनट का ब्रेकआउट था, अब एक और लेवल निकला, ये लगा लो आपका डेली ब्रेकआउट, ये लगा लो वीकली ब्रेकआउट, ये लगा लो कौन सा ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट। ठीक है, ठीक है, ये डेली ब्रेकआउट, ये वीकली ब्रेकआउट और ये मंथली ब्रेकआउट, सॉरी मंथली ब्रेकआउट। और एक और बना देता हूं आप लोगों के लिए और अच्छा लगेगा आपको, भाई ऑल टाइम ब्रेकआउट, करेक्ट, ऑल टाइम ब्रेकआउट सबको पता है, आप लोग क्या करते हो, यस और नो प्लीज, जो दिल से करते हो वो बताना। ठीक है, मुझे पता है सबका क्या साइकोलॉजी है क्योंकि मैं भी यही करता था आपके जैसा, तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। सर अगर ये 15 मिनट का जो ब्रेकआउट है जैसे ही ये इंट्राडे में टूटा, कितने लोग बाई करेंगे, कितने लोग बाई करेंगे, सब बाई करेंगे, यस यस और नो, यस और नो, यस यस यस। चलो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किया, अब आ जाओ डेली की बात करता हूँ, तो ये डेली का है, अब डेली जब ब्रेकआउट करता है तब कितने लोग बाई करते हैं, डेली ब्रेकआउट किया भाई, डेली यार डेली ब्रेकआउट है मैन, अब तो भागेगा स्टॉक, डेली ब्रेकआउट हो गया बाई करोगे। अब मैं बात करता हूं ये वाला वीकली ब्रेकआउट, तो और पावरफुल, अरे भैया अभी तो 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, अब डेली भी हो गया, अब वीकली भी ब्रेकआउट हो रहा है, अब तो ये शूटअप है, बाई करोगे, बाई कर लिया। ठीक है, अब सोचो सर ये मंथली ब्रेकआउट, अरे बाप रे भाई 10 महीने का ब्रेकआउट, 10 मंथ्स का ब्रेकआउट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लैंस अभी ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट करके बैठा था, नहीं बैठा था आपके सामने, तो सब लोग क्या करोगे फिर भाई, तो आप लोगों के माइंड में, और एक ऑल टाइम ब्रेकआउट भी अपने पास, ऑल टाइम ब्रेकआउट यहां पे भी भाई। सर सिंपल सा मेरा लॉजिक समझना, सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं आपको, ये जो ब्रेकआउट की कहानी है ना, मैं कभी इस ब्रेकआउट पे काम नहीं करता, ध्यान से सुनना, मैं कभी ब्रेकआउट पे काम नहीं करता, ना मैं किसी अपने स्टूडेंट को, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट भी इस क्लास में हैं तो वो भी सुन रहे होंगे, वो भी एग्री करते होंगे, मैं कभी ब्रेकआउट पे काम नहीं करता हूं, आई ऑलवेज वेट फॉर माई लेवल। गुजराती का मुझे बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्चुअल में रियल ट्रेडर्स होते हैं, एक्चुअल में बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो उनका एक रूल है, भाई मेरे रेट पे माल आएगा तभी मैं खरीदता हूँ, मैं चढ़ते हुए स्टॉक को कभी बाई नहीं करता हूँ, मैं कभी चढ़ते हुए स्टॉक को बाई नहीं करता हूँ, समझना चीजों को सर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकआउट पे बाई किया, यहां पे ब्रेकआउट आया ऑल टाइम हाई का, आपने यहां पे पोजीशन बाई करी, सर ये तो ऑलरेडी प्राइस अप है ना, ये तो ऑलरेडी प्राइस सेचुरेट हो चुका है, ये ऑलरेडी प्राइस महंगा है, तो आप महंगे में खरीदोगे शेयर को, तो ये तो जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है उसको आप इतने हाई पे बाई कर रहे हो, जब ये गिरेगा ना तो इसके जो दरवाजे हैं वो नीचे तक के लिए खुले हुए हैं दरवाजे, वो वापस उस लेवल तक आ सकता है, तो यानी कि आपने लॉस इतना बड़ा लिया,
एंट्री यहां पे ले रहे हो, यानी कि यहां से यहां तक का आपका लॉस है, और टारगेट ले रहे हो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए के लिए 100-200 रुपए का स्टॉप लॉस। तो नेवर एवर डू ट्रेड लाइक दिस। यहां पे हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10:1 का आएगा, यानी कि 10 रुपए रिस्क है और 1 रुपए प्रॉफिट है। अब मैं क्या करता हूं समझना, इसी साइकोलॉजी में अभी सुनो, आप लोग और क्या करते हो सर, अब ये ब्रेकआउट आया, आपने बाई किया, किसी ने टिप्स दिया, ब्लू चैनल वाले ने बोला ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई, भाई अब तो मल्टी बैगर बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, ये वो, किसी ने जैकपॉट दे दिया, क्योंकि अगेन जो स्टॉक चढ़ता है ना सिर्फ उसका नॉलेज रहता है आपको, जो स्टॉक गिरता है सिर्फ उसका नॉलेज रहता है आपको कि भैया ये इतना परसेंट गिर गया, ये इतना परसेंट चढ़ गया, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के बारे में पूरे चैनल में पूरे टिप्स वाले पूरे हर लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगेन मैंने क्या बोला प्रीवियसली, आपको जानबूझ के दिखाया जाता है, आपके माइंड में फीड किया जाता है चीज़ों को कि ये स्टॉक इतना गिर गया, ये स्टॉक गिर गया, ये 15% गिर गया, अभी DHFL में न्यूज़ आई थी 15% का नीचे टर्न करके नीचे आ गया, क्योंकि वो बार 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 आपके माइंड में बिठाया जाता है, कचरा लेने के लिए आपको बोला जाता है कि भैया हल्का सा भी स्विंग हो जाए तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ऑल टाइम ब्रेकआउट हो गया बाई करो, अरे सर कम ऑन गाइस प्लीज मैच्योर योरसेल्फ, पैसा कमाना है थिंक लाइक अ ऑपरेटर। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपने एंट्री ली छोटे से पॉइंट के टारगेट के लिए, रिस्क इतना बड़ा खोल दिया, दरवाजा इतना बड़ा लॉस का खोल दिया, और क्या होता है सडनली जो इंट्राडे ट्रेडर है जिसके पास गोल है, जैसे मैंने बताया अगर इंट्राडे ले रहे हो तो इंट्राडे नॉट पोजिशनल, तो जो समझदार है थोड़ा बहुत भी 1% समझदार है, उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट खाया, स्पेकुलेट किया मार्केट में, सट्टा खेला, पूरा सट्टा खेला, कोई टेक्निकल नहीं, पूरा सट्टा खेला, 5-10 हज़ार रुपये कमाया खुश, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया, टिप्स वाले का जब फोन आता है बाई करने के लिए, यहाँ बाई करा, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, अरे यार 5 हज़ार मिल रहे थे बुक नहीं किया नीचे आ गया, टिप्स वाले का आपका पास फोन आता है बोलता है सर एवरेज करो, आपने यहाँ पे एक एवरेज करा और थोड़ा सा नीचे आया, फिर आप पैनिक होते हो, डरते हो, आपकी हाथ पैर सूजने लगते हैं क्योंकि 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है M2M, फिर आप फोन करते हो उसको 10 बार, फिर वो बड़ी मुश्किल से आपका फोन उठाता है, बोलता है सर आप टेंशन मत लो ऑल टाइम ब्रेकआउट है, अब इतना चढ़ गया था अब थोड़ा सा तो रिट्रेच होगा, ठीक है एक और एवरेज करा दिया यहाँ पे और नीचे, लो गलत जगह एवरेज कर रहे हो, समझना कुछ नहीं पता कहाँ पे एवरेज करना है, गलत जगह फंसे और नीचे आया, आधे लोगों की पोजीशन ही गायब हो गई, स्क्वायर ऑफ, पैसा नहीं है भैया अकाउंट से, अकाउंट साफ, और जिसका बड़ा प्लेयर है जो बड़ा पैसा लेके बैठा है 10-15 लाख रुपए वो और शाना है, वो फाइट करेगा मार्केट से, अरे ऐसे कैसे मेरे पास पैसा है, नो प्रॉब्लम कभी ना कभी तो चढ़ेगा, और एवरेज किया उसने यहाँ पे, प्राइस कमिंग और डाउन, और जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे आप सारा बुक कर लेते हो, और जब आप यहाँ पे बुक करते हो, जब आप यहाँ पे बुक करते हो तब मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा बाइंग लेवल था, क्योंकि यहीं से मेरा स्टॉक शूट अप हुआ था, यहीं से मेरा स्टॉक भागा था, जब वो स्टॉक आएगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और छोटा सा ऐसे लगाऊंगा यहाँ पे, सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस लगाया और ये मेरा टारगेट होगा अगेन, ये मेरा है तरीका काम करने का। अब चाहे ये प्राइस 1320 रुपए का हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे बढ़ गया 1450 रुपए, 1320 से 1450 ऑलमोस्ट कितने पॉइंट हुए, 130 पॉइंट की रैली हो गई, आपने 130 पॉइंट ऊपर लिया है, स्टॉप लॉस 130 पॉइंट का लिया है, मैंने क्या किया दोबारा प्राइस को नीचे आने दिया। कहानी सुनाऊं एक और, इंटरेस्टेड हो, रियल लाइफ कहानी है आपकी, शुड आई टेल और नॉट? देखो सर, बोलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, म्यूट बिल्कुल सर, समझना कोशिश करना, एक जंगल की कहानी बताता हूँ लाइव मार्केट से, अच्छा लगेगा, बहुत जरूरी है समझना और सबको समझ में आएगा, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जंगल है सर, लाइक स्टॉक मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट को एक जंगल समझता हूँ, ठीक है, एक फॉरेस्ट समझता हूँ, और उस जंगल में सारे कीड़े मकोड़े, राजा भी, शेर भी है, हिरन भी है, बाघ भी, सब है,
अब जंगल का राजा कौन? हु इज द किंग ऑफ जंगल? कौन होता है? शेर होता है, टाइगर, ठीक है, शेर, शेर, बब्बर शेर, ठीक है, बब्बर शेर। अब सर सोचो, बब्बर शेर, सपोज करो बब्बर शेर जंगल में है और उसको हंट करना है, वो भूखा है, शिकार भूखा है, पेट से तड़प रहा है, तो वो ऐसे भागते हुए टारगेट को, कि बब्बर शेर एक जंगल में खड़ा है, तो कभी आपने देखा है शेर को, कि वो 1 किलोमीटर उसने कोई टारगेट देखा है, या फिर 500 मीटर कोई, या 100 मीटर दूर एक उसका डियर यानी कि हिरण को देखा है और वो तुरंत 500 मीटर पहले भागना चालू कर दे? कभी देखा है ऐसा? वो नो कब करता है शिकार? एनीवन, वो शिकार कब करता है? जब वो टारगेट, हाँ, जब वो टारगेट, वो डियर, वो उसका शिकार, वो तभी हंट करेगा जब उसके रेंज में होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो थिंक लाइक अ लॉयन। अगर मार्केट में लॉयन जैसा सोचोगे तभी काम कर पाओगे, अदरवाइज हमेशा शिकार बनोगे लॉयन का। और शिकार, शिकार कौन है, शिकारी कौन है? बिग एफआईस, डीआईस, जिसके पास पैसा है, मोटा पैसा है। मोटा मतलब मिलियंस, मेरे जैसे आपके जैसे लोग नहीं, जो मार्केट को चलाते हैं, जिसका मिलियंस में पैसा है, मार्केट को कहीं भी लेके जाते हैं। आप लोग एंट्री करते हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऑपरेटर एंट्री लेता है यहाँ पे, समझो। ऑपरेटर ये चुन्नू मुन्नू ट्रेड नहीं करता है, ऑपरेटर लेता है क्योंकि वो ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको 10 मिलियन, वो माल कितना खरीदेगा? 1 लॉट, 2 लॉट, कितने लॉट खरीदता है अगर बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो? एनीवन, 1000 लॉट, 1000 लॉट हजार है ना, तो मिलियंस में पैसा है। फॉर थाउजेंड एग्जाम्पल, अगर उसको सर 50 मिलियंस स्टॉक, 50 मिलियंस पैसा लगाना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में या वेयर एवर, तो सोचो वो एक बार में अपना माल कभी नहीं लगाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर उसने लगा भी दिया ना, तो एक बार में जितने, सर जहां बाई करोगे कोई ना कोई तो सेलर चाहिए ना चाहिए आपको, तो अगर मैं 50 मिलियंस का माल एक बार में बाई करूंगा, सेलर से नहीं है तो मेरा बाई आएगा क्या? स्टॉक एकदम से हो जाएगा शूटअप, एकदम से स्टॉक भागेगा, राइट और रॉन्ग? तो क्या होगा, 50 मिलियन में, 50 मिलियन में उसके पास माल आएगा कितना? ओनली 20 मिलियन का माल आएगा, ओनली 20 मिलियन का माल आएगा यहाँ पे, और प्राइस सडनली शूटअप होगा। शूटअप होने के बाद फिर आपको टीवी वाले, टिप्स वाले, ऑपरेटर वाले, ब्रेकआउट वाले, टेक्निकल एनालिसिस वाले, यूट्यूब वाले, 10 तरह के जो लोग ट्रेड नहीं करते, ज्ञानबाजी देते हैं, अरे ये ब्रेकआउट हुआ है, बाई करो बाई करो, मल्टी बैगर बनेगा, अरे बुलशिट। सर अगेन, जब उसको 50 मिलियन पैसा लगाना था, तो उसका अभी माल सिर्फ आया है 20 मिलियन, 30 मिलियन अभी भी उसका पेंडिंग है। और जब ये स्टॉक दोबारा नीचे आएगा ना, वो इसी लेवल पे दोबारा माल बाई करने का अपना ऑर्डर डालेगा। और जब उसका माल, मेरा कैपेसिटी 100 डॉलर्स का है या 1000 डॉलर्स का है, मैंने 500 डॉलर, सॉरी 500 लॉट यहाँ पे बाई कर लिए, 500 लॉट मेरा पेंडिंग है, मैं कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा ना पैसा, खाली अकाउंट में तो रख नहीं सकता, तो स्टॉक का वेट करूंगा। जब ये प्राइस दोबारा नीचे आएगा, दोबारा मैं यहाँ पे अपनी एंट्री डालता है, एफआईएस, डीआईएस, तब दोबारा यहाँ पे अपनी एंट्री डालते हैं। और जो लोग बच्चों वाली ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे जिसने बाई किया है, जिसने भी यहाँ पे बाई किया है, वो इस तरह से फंसता है। और मैं बाई करता हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता, अगेन मैं नहीं बता सकता आपको कि ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग कर चुका है, बट इस मूवमेंट के थ्रू मैं बता दूंगा ऑपरेटर ने बाई किया है, और वो मैं आपको क्लास में दिखाने वाला हूँ, चार्ट के अंदर आप भी लोग चार्ट बना के लाओगे और मैं दिखाऊंगा, देखो ऑपरेटर कैसे बाई किया है और हमें कैसे पता चलेगा दिस इज आवर डिमांड जोन। ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ था? डिमांड जनरेट हुआ था। पूरा स्टॉक मार्केट, कोई भी मार्केट हो, कमोडिटीज हो, करेंसी, फॉरेक्स, ऑप्शन, कोई भी मार्केट, नॉर्मल बाजार, भिंडी बाजार, आपका घर के पास में मंडी, सब डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं, राइट? अगर डिमांड ज्यादा है प्राइस विल शूट अप, सप्लाई ज्यादा है प्राइस विल गो डाउन, राइट? तो सिंपल, अगर ये स्टॉक चढ़ा है तो यहां पे डिमांड आया था,
और यहाँ पे अगर इतनी बड़ी रैली आई है तो आपके बस की नहीं है, ना आपके अब्बा के बस की बात है, ना मेरे अब्बा के बस की बात है, यहाँ कोई किसी को नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब ये स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, मैं बच्चों की तरह यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 मिनिमम है। तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री लूंगा, क्योंकि ऑपरेटर ने यहाँ पे एंट्री बनाई है, और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा, और टारगेट धनाधन 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 धनाधन, सोच भी नहीं सकते हो, 1:20 1:30 का भी रिटर्न आ जाएगा। लाइव चार्ट आपको क्लास के अंदर दिखाऊंगा, मेरे बनाए हुए नहीं, आप लोग बना के लाओगे। ये जब स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाऊंगा ना, और जब चार्ट आप बना के लाओगे उस तरह के, ढूंढ के लाओगे पिन पॉइंट वाले, तब आपको दिखाऊंगा जो मैंने डेमो में बताया हुआ कि नहीं हुआ। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 में से 100 बार होगा, 100 में से 100 बार होगा ही होगा। थिंक लाइक अ ऑपरेटर। अब समझ में आया सर, मयूर सर, नाउ यू गॉट माय पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे लेना है। ये होता है प्रॉपर तरीके की एंट्री, बड़े प्लेयर जैसा सोचो सर, बड़े प्लेयर। और कैसे पता चलेगा FIs की DIs की एंट्री है, दैट आई एम गोइंग टू टीच इन माय क्लास। इसलिए मेरा जो पीपीटी, मैंने जो लिंक आपको पेमेंट का वाला शेयर किया है, उसमें लिखा है मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई बिग FIs एंड DIs टेकिंग देयर ओन पोजिशन, वो मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा क्लास में। तो सर ये बच्चों वाली ट्रेडिंग से बाहर आओ, पैसा बनाना है तो पहला माइंड में गोल बनाओ, 20% मिनिमम आपको कमाना ही कमाना पड़ेगा मार्केट में। 5% 10% कमा रहे हो, भूल जाओ, फिर आपके लिए मार्केट नहीं बना है दोस्त, सिंपल बोलता हूँ मैं। बुरा लगे लगे, अच्छा लगे लगे, जो समझ गया वो राजा है, जो नहीं समझा प्रजा है, वो प्रजा है। और आप लोग प्रजा की जिंदगी जी रहे हो, कभी इस टेलीग्राम पे, कभी उस टेलीग्राम पे, कभी किसी को फॉलो कर लिया, अरे किसी का एक स्टॉप लॉस हो गया, गालियां देना चालू कर दिया, अरे कैसा है, ये है वो है। अरे भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो, उसका पैरामीटर। सर एक और चीज, लाइव एग्जांपल, अब समझ में आया। थिंक लाइक अ गुज्जू पीपल्स, थिंक लाइक अ किंग ऑफ द जंगल। तो शेर तभी हंट करेगा जब प्राइस उसके पास में होगा, रडार में होगा, तब वो एक मुश्किल से थोड़ा सा रन करेगा, इतनी स्पीड से रन करेगा, तुरंत अटैक कर देगा उसके ऊपर, और वो सक्सेसफुली हंट कर लेता है अपने शिकार को। समझ में आया? तो डेली ट्रेड नहीं लेना है। शेर तभी शिकार करता है जब उसको भूख लगती है, मजे में शिकार नहीं करता है। बट आप लोग ट्रेड करते हो जस्ट फन के लिए, मजे के लिए, अरे कुछ तो मिल जाए, आ गया तो ठीक है, सस्ता है ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। जितनी भूख हो उतना कमाने का सोचो, 100% कमाओगे। इसको सट्टा सोचोगे, गलत तरीके से ट्रेड करोगे, डेली कमाने के चक्कर में रहोगे, फंस जाओगे। मेरे लिमिटेड ट्रेड्स आते हैं, लेकिन आप उसकी एक्यूरेसी लेवल खुद चेक कर लो, जहां बोल देता हूं निफ्टी वहीं से घूम जाती है जहां सेल बोलता हूं। और हाँ, मार्केट में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अरे निफ्टी का ये लेवल है देखो, एग्जैक्ट हमारे लेवल से टूट गया। अरे सर वो तो रिक्शे वाला भी बता देगा, मंथली चार्ट लगा लो, उस पर लाइन चार्ट ड्रॉ कर लो, उस पर एक लाइन खींच लो, पता चल जाएगा ये एक्चुअली लेवल है। बट लाइव मार्केट में बताना, गिरते हुए स्टॉक को लाइव मार्केट में बता देना कि भैया यही बाई कर लो और वहीं से घूमना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचो समझो किसको फॉलो करना है और किसको नहीं करना है, बार बार बोलता हूँ। और मेरा अगेन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा पूरा का पूरा ब्रेड एंड बटर स्टॉक मार्केट है। आई एम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सेटअप है, तभी आपके सामने 6 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का डेली प्रॉफिट दिखा देता हूँ, बिकॉज मुझे पेन पता है किस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं लाइव। और मैं कभी भी ट्रेड चढ़ते हुए स्टॉक्स को नहीं लेता हूँ, चढ़ते हुए स्टॉक्स को ठोकता हूँ और गिरते हुए स्टॉक्स को बाई करता हूँ। जब आप लोग उसको इग्नोर करते हो ना, गिरते हुए स्टॉक्स में कोई बाई करता है? कोई नहीं करता। आप सोचते पता नहीं कितना गिर जाए, डर, फियर आपके अंदर, जब फियर होता है ना, वॉरेन बफे का रूल है, जब मार्केट में फियर हो तब अपनी पोजीशन बनाना चालू करो। जब मार्केट में ग्रीड हो, यानी कि लालच हो, स्टॉक नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, लालच आ रहा है लोगों के अंदर, बबल्स बन रहे हैं, न्यूज में, चैनल में, सब जगह फूट रहा है, तब उसको समझ लो टॉम डिक
एनीथिंग, जितने लोग हैं सब उसमें बाइंग में बैठे हैं, तो वो स्टॉक गिरने वाला है, क्योंकि थिंक लाइक अ कसिनो वाला, कसिनो कैसे चलाते हैं उसके जैसा सोचो, ना कि कसिनो में जाके प्ले करते हो उसके जैसा। थिंक लाइक अ होलसेलर, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर। ये बार बार मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको गाइस, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ भीड़ से अलग करोगे तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पता है 10-15 साल 20 साल आपने दिए हैं मार्केट में और आपकी पोजिशन क्या है। अब 20% तो छोड़ो, मार्केट में लॉस ही हो, 10% भी छोड़ दो तो 20% तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब, लाइव एग्जांपल आपको दिया, एक बंदे को जीपीएस के साथ मुंबई भेजूं और एक बंदे को विदाउट जीपीएस, रिजल्ट आपके सामने है। जो फोकस्ड है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो जल्दी पहुंचेगा, अच्छा पहुंचेगा, कम टाइम लगेगा, दूसरा बंदा जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। तो किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है सोचो समझो, तब फॉलो करो, तब क्लास ज्वाइन करो। मेरे पास ऐसे मत करना ज्वाइन, ढंग से फॉलो करो। इसलिए लाइफ टाइम फ्री टिप्स देता हूँ, वहाँ पे लाइव कॉल देता हूँ। अभी रिसेंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी कॉल उठा के देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा सर। अब जो आपको देता हूँ खुद ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं ज्ञानबाजी, आई विल नॉट टॉक अबाउट। और मैं अपनी क्लास में सिर्फ ट्रिक्स की बात करने वाला हूँ, मैं कोई ज्ञानबाजी नहीं देने वाला। मैं अपनी क्लास में जो रियल मैजिक, सीक्रेट मैजिक है सिर्फ उसकी, जो ट्रेड में जैसे मैजिक लगाते हैं वो बात करने वाला हूँ, कोई ज्ञानबाजी। ज्ञानबाजी जाना है यूट्यूब खोल लो, बहुत ज्ञानबाजी मिल जाएगी। हजारों किताब मार्केट में है, ज्ञानबाजी वहाँ मिल जाएगी। गूगल में डाल दो टॉप 10 बुक्स, ज्ञानबाजी वहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने एजुकेशन किया है और एजुकेशन करने के बाद मान लो आपने MBA या कोई डिग्री ली है, वो डिग्री क्या आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आया? नहीं आया। जॉब में काम आया? नहीं आया। पहले 2 साल 3 साल आपको स्ट्रगल करने पड़ते ही पड़ते हैं। जब आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप ग्रो करते हो। स्टार्टिंग में आप कोई भी जॉब लेना रेडी हो जाते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कौन? जो लाइव ट्रेड करता है मार्केट, उसको मार्केट का पेन पता है ना। आप लोग समझदार हो? और किसी का डाउट, और कोई क्वेरी सर? जी सर। हेलो सर, राहुल बात कर रहा हूँ। जी राहुल, राहुल बात कर रहा हूँ। आप रिस्क रेशो जो है वो सबसे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं आपसे लास्ट 1 वीक से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी जो निफ्टी थी गिर रही थी तो आपने बाइंग दी, और उसके नेक्स्ट डे वो अपसाइड में चल गई और आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया। थैंक यू सो मच। आपने क्लोजली फॉलो किया उसको सर? पिन पॉइंट दिया था? नहीं दिया था, जहां बोला वहां से घूमी नहीं घूमी। और एक बार नहीं, लास्ट वीक 4 बार प्रिडिक्ट किया मैंने मार्केट को, चढ़ते हुए मार्केट में 2 बार ठोका हूं और गिरते हुए मार्केट में 2 बार पकड़ा हूं, 4 बार मैंने प्रिडिक्ट किया है। तो अगेन फ्राइडे का आपने, हेलो जी सर, जी मैंग जी, हेलो, हाँ मैंग जी, हाँ सर, आपने फ्राइडे का मैसेज दिया था। एक्चुअली मेरे भी निफ्टी शॉर्ट थी, लेकिन आपका मैसेज आया था कि निफ्टी ब्लास्ट होने और रोलर कोस्टर होने वाला है। आई वॉज रियली एक्साइटेड। उसके बाद फिर वो रोलर कोस्टर देख के मुझे बड़ा ये लगा कि आप लोग रियल मार्केट में हो, 10 लोगों को फॉलो करते हो, मुझे भी फॉलो करते हो, ये जेन्युइन आपका फीडबैक है। देखो मैंने पिन पॉइंट लिख दिया था, जिस टाइम लिखा उसके बाद पहले निफ्टी नीचे गई और उसके बाद ऊपर गई, तो मैंने क्यों लिखा रोलर कोस्टर होने वाला है? क्योंकि मुझे पता था। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से टाई अप है या कोई प्रमोटर मुझे जानता है या कोई FIs वाला मुझे जानता है ना। स्टडी, पावर ऑफ चार्ट, पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, पावर ऑफ मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया, पावर ऑफ ट्रिक्स, दैट आई एम टॉकिंग टू यू। जी सर, ये अमरुद जी, जी अमरुद जी, मैंने लास्ट वेबिनार अटेंड किया था, इसमें मेरी बात हुई थी आपसे कि पाइवट को फॉलो कर, तो अभी उसे रिसेंटली फॉलो कर रहा हूँ, वेरी गुड एंड बल्कि मेरे फाइन। बट कभी और एंट्री लेने में पहले लेनी होती है एंट्री, या एक बार लेवल पे आ जाए उसके बाद एंट्री ले? अमृत सर, एक ही रूल है मेरा, एक ही रूल है, और वो रूल देखो मेरे 10 पॉइंट है, ठीक है। अगर 10 चीजें मुझे बाई बोलेगी मैं तभी बाई करता हूँ, अगर 10 में से 9 चीजें बाई बोलेगी, 1 चीज ने मना कर दिया ना, मैं नहीं करता बाई, बात खत्म। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई जंगल वाली, भाई सिंपल सा रूल है शिकार का, अगर प्राइस मेरे पास में आएगा, अगर शिकार
मेरे पास आएगा तो मैं उसको हंट करूंगा, क्योंकि उसका सक्सेस रेशियो मेरे पास रहेगा। अगर मैं फेल भी हुआ मैं ज़्यादा नहीं थकने वाला, अगर मैं 1 किलोमीटर पहले ही भागना चालू कर दूँ मैं तो पहले ही 20 रस्ते में थक जाऊँगा, शिकार तो दूर की बात है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मेरा लेवल इंपॉर्टेंट है, मेरे रेट पे चीज़ मिलेगी मैं काम करूंगा, नहीं मिलेगी मैं छोड़ दूंगा, जय माता दी कर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, लेकिन आपका वो एसएमएस आता है टेलीग्राम के कुकिंग ब्रेक करके, हाँ। वो सिखा दीजिए सर। देखो डेमो है वो, मैं डेफिनेटली आपको कुकिंग बुक जो बोलता हूँ वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको टिप्स देता हूँ तो आपने नोटिस किया होगा वही ट्रेड मैं अपने अकाउंट में भी लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और दे रहा हूँ खुद कुछ और कर रहा हूँ, सेम ट्रेड होते हैं और सेम चीज़ के प्रॉफिट भी आपको मैं दिखाता हूँ नहीं दिखाता हूँ। यस सर नो सर? तो आप क्लास ज्वाइन करो, मैं आपको ऐसी चीज़ दूंगा सर, आपका सोच बदल दूंगा सोच। ये तो सिर्फ डेमो था, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 10 दिन का क्लास बाकी है, आज तो एक ही दिन है, 10 दिन का मेरा टॉपिक बाकी है और सोचो यू कांट इमेजिन क्या देने वाला हूँ आपको। अच्छा हैरी सर, हैरी सर। जी सर मैं जी बोलिए सर। एक्चुअली मैं तो अभी आपका क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे लेकिन अभी कंसल्टिंग के मैसेज में थोड़ा पढ़ रहा हूँ। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, आई एम नॉट फॉलोइंग यू इन, ये क्या नाम है, अमित लोढ़ा का आपका, आपने क्लास किया है कैसे कुछ बता रहे आप उनको, आपको बता रहे वो okay. तो मैं संतोष जी को बोलना चाहता हूँ, संतोष जी ये शेरखान वगैरह वाले सोचते हो हमको कुछ पता नहीं है, पर आप इनको सिर्फ एक बार फॉलो कीजिए, आपको ट्रेड लेना नहीं है, उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में इनके पास। अच्छा अच्छा सर सुनो सुनो तो ये मेरा, अरे मेरा मेरा आंसर मेरा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं जी। अरे सर मार्केट में 10 तरह के लोग होते हैं, हम सबको सही नहीं कर सकते, राइट। रह गया मैं बताता हूँ, सारे लोगों फॉलो करता हूँ सर, पर संतोष जी को थोड़ा डाउट है आपके ऊपर, तो मैं बोला पहले उनको सुन लीजिए उसके बाद थोड़ा देखिए फिर ये कीजिए। मोस्ट 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 अप्रिशिएट सर कि उन्होंने सर, संतोष जी एक ही चीज का आंसर दूंगा, उनका M2M और मेरा M2M टैली कर लेना, किसी के अब्बा की बस की नहीं है उनका M2M और मेरा M2M है, अब्बा के बस की नहीं है उनके, ओपन बोल रहा हूँ खुलेआम डेली दिखाता हूँ अपना M2M आपको मैं, और लाइव दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि चिपका दिया स्क्रीनशॉट, लाइव दिखाता हूँ। वो दिखाते हैं एक ही चीज़ दिखाते हैं वो सर, ज्ञानबाजी बहुतों को आता है लेकिन जो ट्रेड करता है ना उसको रियल पिक्चर पता है। अब मेरे पास एल्गो है, एल्गो ऐसे बच्चों वाला गेम नहीं है, एल्गो लगा दिया चल गया, ये है मेरा आंसर। एनीवे चलिए कोई बात नहीं, और कोई बताएगा और किसी का डाउट आपको और क्या चाहिए मेरी तरफ से, जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं मैं देख लीजिए जी। राम सर या सर जी सर इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना, यस दैट आल्सो आई एम गोना टू टीच यू इन माय क्लास, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कैसे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करना है, मैं आपको ना एक अपने फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट दूंगा जिसमें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो प्रॉपर काम करता है, तो वो दूंगा। उसके साथ मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया, यानी कि मैं आपको सबसे पहले ABCD सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करके मैं नेक्स्ट लेवल तक आपको लेके जाने वाला हूं। तो ये बैच उनके लिए नहीं है जो पहले से जानते हैं, ये बैच उनके लिए है जिसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं 10 दिन का आपको एक कैंडल स्टिक कैसे बनता है उसके ऊपर गेम दिखा दूंगा, सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर, एक सिंगल कैंडल स्टिक का गेम दिखा दूंगा, शेडो वाला गेम दिखा दूंगा। आप लोग एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल को क्या प्रेडिक्ट करते हो और मैं क्या सोचता हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। एक ग्रीन कैंडल आप बोलते हो बुलिश कैंडल, मैं नहीं सोचता वो बुलिश कैंडल है, आई डोंट बॉदर अबाउट इट बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल, मुझे पता है प्राइस एक्शन, मुझे पता है सिर्फ ये एक प्राइस है जो ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, मुझे नहीं पता ग्रीन है रेड है। आपके ग्रीन कैंडल को मैं बोलता हूँ बेयरिश कैंडल और आपके रेड कैंडल को यानी कि बेयरिश कैंडल को मैं बोलता हूँ ग्रीन कैंडल। ओपन चैलेंज क्लास में मैं पहला दिन का सेशन मेरा यही होता है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट रियल मैजिक ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। सर सर बोर्ड पे सर जी गोपाल जी या
सर, गोल्ड में आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहता है सर, वो जानना था। सर ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये आप किसी भी मार्केट में लगा लेना, किसी भी मार्केट में लगा लेना, हर जगह डिमांड सप्लाई काम करता है, और ये आप किसी भी मार्केट में लगा देना उतना ही काम करेगा जितना गोल्ड में, जितना निफ्टी में, जितना बैंक निफ्टी में, जितना किसी इक्विटी में। सबकी दुनिया यहीं से चालू होगी जो मैं आपको देने वाला हूँ, और ये रियल प्रैक्टिकल चीजें दूंगा, नो ज्ञानबाजी। ज्ञानबाजी यूट्यूब से ले लेना, बहुत पड़ा हुआ है माल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो आई एम गोना टीच यू। ये मेरा सेकंड आई है, मेरी दूसरी आंख है सेकंड एंड, ये मेरा सीक्रेट ट्रेंड लाइन और सीक्रेट चीजें मैं बताऊंगा किस तरह से गेम खेलना है उसको। आप जो लगाते हो हाई पे हाई लगाते हो, लो पे लो लगाते हो, मेरा लगाने का तरीका ही अलग है। मैं हाई पे हाई कभी नहीं लगाता, वो भी आपको सिखाऊंगा, वो अगेन मेरा सीक्रेट है। और किसी को एक्सपेक्टेशंस की आप जानना चाहते हो कि सर मैं क्या सीखने वाला हूँ क्लास में अगर ज्वाइन करोगे तो, या आप ऐसा क्या देने वाले हो, या डाउट मेरे जी? आप बोलते हैं ना प्रेडिक्शन पूरा गलत है, अभी न्यूज आता है ना, न्यूज आता है तो कोई बड़ा चीज है तो वो मार्केट ऐसे उल्टा हो जाता है, तभी आपका प्रेडिक्शन काम करने देखे रही। जी सर क्या कह रहे हो? अभी आप कैंडल स्टिक सबको फॉलो कर रहे हैं, हाँ? अभी मार्केट में न्यूज बचा रहे हैं, yes, अभी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वेरी वेरी नाइस जाने वाला। जी महेश जी, जी महेश, आई गॉट योर पॉइंट, करेगा क्या आपका? आई गॉट ए पॉइंट महेश जी, देखो इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लेके आओ सर, मजा आता है बताने में, क्योंकि कुछ छुपा रहता है इसके अंदर, कुछ हिडन्स होते हैं। देखो सर, आप लोगों को पता है न्यूज़ आता है, कैसे हम ट्रैक करें, कैसे हमें पता चलेगा? सर मुझे नहीं पता बैलेंस शीट क्या होती है, मुझे नहीं पता फंडामेंटल क्या होता है, मुझे नहीं पता प्रमोटर क्या कर रहा है, ना आपको पता है क्या करने वाला है। बट एक चीज़ आप तो ये मानोगे नहीं मानोगे सर, किसी कंपनी का अगर रिजल्ट आने वाला है, उस कंपनी के बारे में सबसे अच्छा नॉलेज किसको होगा बताओ? अगर आपकी कोई कंपनी है, आपसे ज़्यादा नॉलेज होगा उस कंपनी के बारे में किसी को? नहीं होगा, राइट? है ना, तो कोई भी मान लो अभी एनटीपीसी है, एनटीपीसी का रिजल्ट किसको पता रहेगा जो उसके प्रमोटर्स हैं, वही हेड है ना, उससे तो छुपा नहीं है ना उसकी कंपनी की सिचुएशन क्या है, घाटे में, लॉस में, प्रॉफिट में है। क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कर लेते हो, आप फेक कर लेते हो, ऑडिटर्स को बिठा लेते हो, क्या क्या आरएनडी करना है, टैक्स आपको पता है किस तरह से आप घपला करते हो टैक्स में भी, सबको पता है टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन हर एक बिजनेसमैन को पता है मैं किस तरह से अपना टैक्स कम से कम बचा लूं, राइट? सिमिलरली सर, स्टॉक मार्केट में चार्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज है, अगर कोई प्रमोटर को पता है कि मेरा रिजल्ट मैं इस तारीख को आने वाला है, 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो वो प्रमोटर क्या करेगा, अपने प्राइस हल्के कर लेगा ना, माल बेच देगा ना, वो अपना बेचेगा नहीं बेचेगा? अगर उसको पता है मेरी कंपनी का ग्रोथ कम है और रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो प्रमोटर क्या करेगा, माल निकालेगा या नहीं निकालेगा अपना? ऑफ कोर्स, राइट? अब वो जो माल निकालेगा वो अपने दोस्तों को भी बताएगा, भाई मेरा दोस्त है तू, भाई इसमें से माल निकाल ले, ये अभी गिरने वाला है, थोड़े से रिजल्ट कम आ रहे हैं। अपने दोस्तों को, फैमिली को, इनसाइडर ट्रेडिंग कह लो सर, वो दूसरी दुनिया है, हमें नहीं पता इनसाइडर ट्रेडिंग में हम, क्योंकि एंटर नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा अपने आप भी माल निकालेगा, अपने 10 दोस्तों को बताएगा, उससे भी माल निकलवाएगा, जितने लोगों को जानता है, मैनेजमेंट वाले हैं उन, वो भी अपना माल निकालेंगे। और जब वो माल निकालेंगे तो वो सर भले ही 10 दिन बाद, 20 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो पहले से ही पता है ना, पहले दिन से, और जब मैं माल निकाल रहा हूँ, वो सर कहीं ना कहीं तो शो करेगा, कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा? अगर आप अपना माल निकाल रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, एनएससी में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सेबी के अंडर में आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो जहाँ वॉल्यूम कुछ होता ही नहीं होता है कि इतने भैया इतने का माल निकल गया या इतने का माल बचा रहा, आपको पता नहीं चलेगा किसने निकाला, लेकिन चार्ट के अंदर तो स्टॉक ऊपर नीचे तो होगा नहीं होगा, जिस दिन वो 20 दिन बाद रिजल्ट है, लेकिन आज स्टॉक में फ्लक्चुएशन आएगा या नहीं आएगा जब वो माल निकालेगा, यस सर नो?
सर यही मेरा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो चार्ट अपने आप में सब बोलता है और सारे मार्केट का डाउ थ्योरी का एक रूल है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो न्यूज होता है ना, जब तक आपके पास पहुंचती है ना न्यूज, पहले ही मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स काम कर चुके होते हैं, आपके पास सबसे लास्ट में घिसी पिटी जो आपको सुनाना चाहते हैं वो आता है नॉलेज, बट पहले ही स्टॉक में काम हो चुका है। और चार्ट एक ऐसी चीज है, आपको नहीं पता फंडामेंटल में उनके पास क्या है, कितना नंबर है, क्या है, क्योंकि जब वो शो करेंगे तभी आपके पास रिजल्ट आएगा। लेकिन चार्ट आपको डेली बेसिस पे बताता है कि मैंने आज माल निकाला, बढ़ाया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो चार्ट सब बोलता है, चीख चीख के बोलता है, बस स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। वो पता चल गया, यू आर रॉक, फिर आप राजा हो ना कि प्रजा। ठीक है, और किसी का डाउट? नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, होप बहुत लोगों का क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा कि न्यूज वाले दिन क्या करना है। सर मुझे पता, आपको पहले ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है स्टॉक में। एनीवे, और किसी का डाउट, कोई क्वेरी? ऐसे क्वेश्चंस लाओ सर, मजा आता है। जी निखिल जी, जी निखिल जी, मतलब इंट्राडे हम जब करते हैं तब एसएल हंटिंग होती है ना, तब अगर हमारा जैसे स्टॉक लॉस अगर हिट हो जाता है एसएल हंटिंग में, फिर स्टॉक वापस ऊपर जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? जी देखो सर, आपने पहले ही बताओ इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो? अभी तो सर 5 मिनट का यूज करता हूँ। 5 मिनट का, तो 5 मिनट के चार्ट में आप कितने पॉइंट का एसएल लेना चाहते हो, कितने पॉइंट का? अगर 500 रुपीज का स्टॉक है तो 500 रुपए के स्टॉक में आप कितने रुपए का एसएल लगाओगे 5 मिनट के चार्ट में? सर मैं वैसे निफ्टी में करता हूँ, तो मैं उसमें मतलब 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। है ना, टारगेट कितने के लिए लेते हो? यस सर, टारगेट भी सर एक्चुअली 1-to-1 रेशियो रहता है। सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, मैंने आपको यही सिखाने की कोशिश करी, थिंक लाइक अ ऑपरेटर, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर। तो आप जो 1:1 है सबसे पहले निकाल दो माइंड से, कभी पैसा नहीं बना सकते हो 1:1 में, ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ इमोशंस आपका जो दोस्त नहीं है, इमोशन आपका सबसे बड़ा बैरियर है, इमोशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है स्टॉक मार्केट में। अगर इस इमोशंस के साथ आप काम करोगे 1:1 कभी पैसा नहीं कमा सकते, ओपन चैलेंज। तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा, कोई नहीं बचा सकता आपको, सिंपल। मैं बात करता हूँ 1:3, 1:4, 1:5, 1:10। अगर मेरे 5 एसएल चले भी गए, लेकिन 5 ट्रेड मेरे ऐसे रहेंगे जो 10 के बराबर, 100 सुनार की, 1 किंग रिसर्च की, जो मेरा टैग लाइन है वो रहता है। Yes, sir, right. Right? और किसी का कोई क्वेश्चन? गाइस चलिए खत्म करते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं अपनी। सर रेंज बाउंड मार्केट, अगेन मार्केट में पैसा तभी कमा सकते हो जब मार्केट में मूवमेंट हो, या तो ऊपर या नीचे। अब रेंज बाउंड मार्केट में आपको भी आंसर मिल गया होगा क्या होने वाला है, एक चीज को पकड़ के बैठ जाओगे बच्चों की तरह, पढ़ा रहेगा पूरे दिन, सिस्टम के सामने बैठे रहोगे, देखते रहोगे प्राइस को, कुछ होने का ही नहीं है। तो मैं हमेशा मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़ता हूँ, अगर मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, सिंपल। तो ट्रेड रोज मत करो, शिकार तभी करना है जब आपको भूख लगे, और जब भूख लगेगी तब अच्छे ट्रेड करो, महीने में 2 ट्रेड लो, लेकिन इतना पावरफुल होना चाहिए कि 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दे दे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस मार्केट। डेली ट्रेड नहीं करना है, एक ट्रेड लो लेकिन 10 के बराबर हो, उसका नेक्स्ट लेवल होगा, वो मैं आपको चीज देने वाला हूँ। मैं डेली ट्रेड का नहीं, मैं तो करता हूँ सर, 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसलिए करता हूँ, लेकिन आप अगेन आज आप चालू करोगे, आज आप सीखोगे, एक चार्ट बनाओगे गलती करोगे, 2 बनाओगे गलती करोगे, जब 10 बनाओगे ना गलतियाँ कम हो जाएंगी, 20 बनाओगे थोड़ी और कम गलतियाँ कम होंगी, कहीं ना कहीं शार्पनेस अपने आप आ जाएगी उसके अंदर, है ना। तो ये प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने 3 साल अपने दिए थे इसको स्टडी करने, क्योंकि मुझे कोई एजुकेट करने वाला नहीं था, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था। आज आपके पास इतने सारे लोग हैं समझाने वाले, जिसको भी आप फॉलो करते हो उसके पास जाओ, क्लास ज्वाइन करो, ये मेरा पर्पस है। और खुद जो सीखोगे वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है,
भले ही आप टाइम दे रहे हो, और मैं ये नहीं कहता कि लाइव मार्केट में ट्रेड वो एनालिसिस करो ना, लाइव मार्केट में एनालिसिस करना ही नहीं है, एक दिन पहले एनालिसिस करना है कि भैया कल क्या ट्रेड लेना है, बात खत्म। और एक दिन पहले पता चल जाएगा क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और क्या किस स्क्रिप्ट में काम करना है, और कहाँ पे एफआईज ने काम किया है, कहाँ पे डीआईज ने काम किया है, वो आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा। तो सर आपका तो पूरा सेटअप तैयार है ना, अगले दिन मार्केट कहीं भी खुलने दे, मेरा रेट आएगा, मैंने बाई डालना है, स्टॉप लॉस डालना है, टारगेट डालना है, बिंदास अपने आप रिजल्ट आएगा, झक मार के आएगा, क्योंकि आप प्राइस के पीछे नहीं भाग रहे हो, प्राइस आपके पास आ रहा है प्यार से, और जब कोई चीज आपसे पास आएगा तो आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, करेक्ट। और किसी का डाउट, कोई क्वेरी? मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं राजेश जी, आई डोंट फॉलो एनी इंडिकेटर, आई हेट इंडिकेटर्स, आई ओनली यूज टू डू प्राइस एक्शन। मेरा दोस्त प्राइस एक्शन है, मेरे भगवान प्राइस एक्शन है, मेरा जो गॉड है मार्केट में, दो गॉड है, दैट इज, वन इज प्राइस एक्शन, सेकेंड इज वॉल्यूम, दीज आर टू गॉड्स फॉर मी। मैं इनके रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, नो इंडिकेटर एट ऑल, आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू डू इंडिकेटर। विनोद जी, बेस्ट टाइम फ्रेम जो आप इंट्राडे का कह रहे हो, सर ये डिपेंड करता है आप किस तरह के नेचर के ट्रेडर हो। आप 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो, आपको क्विक ट्रेड लेना है, अगेन मैंने बताया ना, आपको रूल बुक में डिसाइड करना है कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ। अगर मैं इंट्राडे सोच रहा हूँ तो इंट्राडे काम करना है, इंट्राडे में 1 घंटे का भी आता है, 15 मिनट भी आता है, 30 मिनट भी आता है, 5 मिनट भी आता है, 1 मिनट भी आता है। मैं ट्रेड 1 मिनट में ले लेता हूँ, 1 मिनट के चार्ट लगा के मैं ले लेता हूँ। और आपको मैं एक इस क्लास में निफ्टी की और बैंक निफ्टी की डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, किस हाई पे बाई करना है, किस लो पे सेल करना है, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी, और डेली काम करता है, और डेली मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ निफ्टी का, अगर आपने नोटिस किया है, पिन पॉइंट पे, टॉप पे हम सेल करते हैं, टॉप लो पे हम बाई करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक कैंडल का गेम है, सिर्फ एक कैंडल का, और डेली 2-4 हजार रुपए एक लॉट में आप कमा के घर जा सकते हो। डेली ओपन चैलेंज, जिस दिन का बोलोगे उस दिन का बैक टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। एनीवे, और कोई सर? चलिए सर, बहुत हो गया ज्ञानबाजी, आप भी बोर हो गए होंगे, कहाँ पक गया मैं। एनीवे, मेरा फर्ज था सर दिल से आपको कोई चीज देनी, अब आपका फर्ज है आप किस तरह से उस चीजों को ले रहे हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट डायरेक्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिसका नाम है उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी। नोट मत करना, टाइम पूरा दूंगा नोट करने का, सिर्फ समझ लेना, बहुत सिंपल है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इस स्ट्रैटेजी को समझाने में, ठीक है। कौन सा कैंडल है ये गाइस, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, बियरिश कैंडल, राइट, दिस इज बियरिश कैंडल, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब अगर, अच्छा ये पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस? हाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाई बोलते हैं, और इसको लो बोलते हैं, और इसको बॉडी ओपन, सॉरी क्लोज, ओपन क्लोज। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी क्लास के अंदर मैं सब सिखाऊंगा, क्योंकि यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। और ओपन चैलेंज बोल रहा हूं आपको, आधे नहीं 90% लोगों को इस कैंडल का गेम नहीं पता होगा। सर अब देखो मैजिक क्या है इसमें, ये डेली चार्ट है, ठीक है, दिस इज डेली चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब डेली चार्ट में कोई स्टॉक, अगेन बोल रहा हूं, कोई स्टॉक गैप डाउन खुल जाए, क्या खुल जाए? गैप डाउन खुल जाए मींस ये जो लो है, मैं लो की बात कर रहा हूं, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो लो है, इस लो के नीचे कोई स्टॉक अगर खुलता है, इस लो के नीचे अगर कोई स्टॉक खुलता है नेक्स्ट डे, और वो सडनली कमिंग अप 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 अप, तो आपको बाई कहां करना है? आपको बाई करना है यहां पे, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। व्हाई दिस इज एंट्री पॉइंट? क्योंकि जो प्रीवियस डे है,
इस प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर कैंडल खुल गया, लो के नीचे अगर कैंडल खुल गया और इसने लो को ब्रेकआउट किया, तुरंत माल को इस लो पे पकड़ लो। ये जो लो है ना प्रीवियस डे का, ये आपको पता चल गया एडवांस में ही, और आज अगर ये आपको कल ही पता चल गया, और अगर आज ये स्टॉक नीचे खुला और जैसे ही लो को इसने ब्रेक किया, तुरंत एंट्री मार लो। आपका टारगेट इस कैंडल का 50% रहेगा, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। तो मेरी एंट्री यहां पे एंड दिस इज माय टारगेट। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस समझ में आया? और जो इसका स्टॉप लॉस होगा, जो भी इस कैंडल का, जैसे आपको यहां पे एंट्री मिली तो इसी कैंडल का जो लो होगा दैट इज योर स्टॉप लॉस। एक डाउट है, हाँ, सर, डेली चार्ट, दिस इज डेली आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज डेली चार्ट, यस। और ये स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक में काम करेगी, किसी भी स्टॉक में काम करेगी, किसी भी स्टॉक में, इक्विटी, कैश में, किसी भी स्टॉक, फ्यूचर, कैश, जो भी है, सब जगह काम करेगी। क्लियर? अब कंडीशन अप्लाई है, ये तो आपको समझ में आ गया, आपको मैंने ट्रेडिंग स्टाइल दे दिया, अब नकल के लिए भी थोड़ी अकल तो चाहिए ना। अब रूल नंबर वन, अब इसमें रूल समझना सर। पहला रूल, जो रेड कैंडल है उसका मूवमेंट कम से कम 5% का होना कंपलसरी है। तो अगर इस कैंडल का मूवमेंट 5% है, यहां से लेके यहां तक का 5% का मूवमेंट है और हम लो पे एंट्री ले रहे हैं और हाई पे, तो सर आपका टारगेट कितना परसेंट आ गया? 5% का आधा कर दो, 2.5% इज योर टारगेट और स्टॉप लॉस चुन्नू मुन्नू। समझ में आया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम? यहां पे छोटा स्टॉप लॉस, छोटा पुड़िया, बड़ा धमाका। सिमिलरली अगर पहला कैंडल ग्रीन है, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। सपोज फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, और 5% की मूव है, और मैंने क्या बताया, चढ़ते हुए स्टॉक को मैं ठोकता हूं, गिरते हुए स्टॉक को बाई करता हूं, ये मेरा थंब रूल है, सारी स्ट्रेटेजी मेरी इसी पे बेस्ड है, सारी की सारी ए टू जेड, जो भी मैं एनालिसिस आपको दूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी या रियल ट्रिक बताऊंगा, इस तरह की दो तीन स्ट्रेटेजी जो भी बताने वाला हूं, वो सारी की सारी चीजें यही है। अब जैसे ये ग्रीन हुआ, यानी कि एक आज मतलब स्टॉक प्राइस ऊपर हुआ, 5% क्लोज हो गया, मस्त। नेक्स्ट डे गैप अप खुलेगा, नेक्स्ट डे क्या खुलेगा? गैप अप। नेक्स्ट डे स्टॉक गैप अप ओपन, और जब गैप अप ओपन हुआ, आपको एंट्री कहां लेनी थी गाइस? वेयर इज योर एंट्री? हाई पे। तो दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस, मान लो स्पाइक है, ठीक है, तो दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर एंट्री, एंड टारगेट इज 50% ऑफ प्रीवियस डे कैंडल, यानी कि हाई और लो डिवाइड बाई टू, वट एवर द पॉइंट इज कमिंग, दैट इज योर टारगेट। बात खत्म, क्लियर? तो जब पहला वाला कैंडल रेड आएगा तब हमें बाई करना है, जब पहला वाला कैंडल ग्रीन होगा तो हमें सेल करना है। ये दिमाग में बिठा लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और पहला कैंडल का जो मूवमेंट है, मिनिमम 5% की मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड माई फेवरेट स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द ऑपरेटर स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द बिग फंड हाउस स्ट्रैटेजी, जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने ट्रस्ट किया, दो घंटे मेरे साथ बैठे हो, तो ये आपके लिए एज अ गिफ्ट है मेरा, जिसको समझ में आए। और मैं चाहता हूँ आप लोग कल, अब हाँ, स्टॉक सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक सिलेक्शन कैसे पता चलेगा, इतने स्टॉक्स बढ़ते हैं गिरते हैं? सर वेरी सिंपल, और इतना सिंपल आप सोच भी नहीं सकते। एनएससी की वेबसाइट पे जाना, और आपको वहां पे मिलता है ना टॉप गेनर टॉप लूजर, मिलता ही नहीं मिलता है? यस सर, नो? है ना, तो टॉप गेनर टॉप लूजर में 5% के ऊपर जो भी होगा आपको मिल गया स्टॉक सिलेक्शन।
कुछ किया आपने मेहनत? होमवर्क किया? कुछ नहीं किया। तो आज देख लो भैया फ्राइडे को कौन कौन से टॉप गेनर थे 5% के ऊपर और टॉप लूजर थे। अगले दिन उस स्टॉक को रडार पर डाल लो और दो 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 बाई वाले निकाल लेना, दो सेल वाले निकाल, ज्यादा नहीं चाहिए, दो बाई वाले दो सेल वाले निकाल लेना। और कल मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, प्लीज़ कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, मेरे को व्हाट्सअप करना। अगर स्ट्रैटेजी काम कर दिया तो व्हाट्सअप करना, काम नहीं कर रही है तो व्हाट्सअप करना, मेरे को रियल आपका फीडबैक चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तब आप देखो मैजिक आपके सामने, आप खुद बैक टेस्ट करो, मैं तो दिखा दूंगा अनलिमिटेड ट्रेड्स, मैं तो करता हूँ काम, मैं अनलिमिटेड ट्रेड्स दिखा दूंगा। बट मैं चाहता हूँ ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ आज का डेमो वाला, ये आप लोग ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, ट्रेड मत करना प्लीज गाइस, इसको बैक टेस्ट करो, एक हफ्ता लगातार देखो कंटिन्यूसली, अपने सिस्टम को अपने अंदर लेके आओ, साइकोलॉजिकल पहले सेट करो, उसके बाद ट्रेड का सोचना, राइट? इससे सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको नहीं दे सकता फ्री में। निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग स्ट्रेटेजी है, वो इससे भी सिंपल है और वो माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी है। जो सीखेगा समझेगा, ढक्कन दिमाग का उसी का खुलेगा, नहीं तो आपको पता ही आप क्या कर रहे हो। तो जिसने जहाँ सीखा हुआ है, अगेन कुछ लगता है मेरे जैसा कमाना चाहते हो, सीखना ही पड़ेगा सर, और रियल प्रैक्टिकल बंदे से सीखना। ज्ञानबाजी वाले बहुत मिल जाएंगे जिनको मार्केट का कुछ नहीं पता, ठीक है? पढ़े हैं, सीखा है। क्वेश्चन था यस सर, बोलिए सर, जो ये ट्रेड ले रहा है हाई एंड लो पे, इस पे कितनी देर ट्रेड हो तो हम एंटर करें कि आते के साथ ही ट्रेड लें? सर सिंपल सा लॉजिक, डेली चार्ट आपको मिल गया, डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल दिख गया आपको। अब सर आपको पता है ना ओपन खुलना चाहिए भैया, अगर ओपन खुला और नीचे की तरफ आ रहा है तो हाई पे आपकी एंट्री हो जाएगी, है ना? जैसी एंट्री भी आपको स्टॉप लॉस भी पता चल गया और आपको टारगेट भी पहले से पता है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना? क्लियर? क्लियर गाइस? Yes, मजा आया स्ट्रेटेजी देख के, कुछ समझ में आया? कम ऑन गाइस, एनएसए में जाकर सब्सक्राइब एक भी कर सकते हैं आपको, ठीक है? nseindia.com ये रहा पहला लिंक, आपने इस पे क्लिक करना है, आपके सामने चीज आ जाएंगी। अगेन रिक्वेस्ट है सर आप सभी लोगों से, प्लीज अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगी बुरी लगी मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट आप लोगों को और नई चीज़ें दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे दूंगा मैं आपको, बट मेरे को फीडबैक चाहिए, जो भी हो, जो आपको लगा हुआ नहीं हुआ चार्ट के साथ मुझे फीडबैक दे देना, सर आपको खुद दिखा दूंगा। सर ये देखो यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है ना, टॉप गेनर निफ्टी 50 के हैं, टॉप गेनर टॉप लूजर, ये देखिए निफ्टी 50 ये सारा आ जाएगा। तो अगर मैं निफ्टी 50 में डाल देता हूँ तो देखो मेरे पास लिस्ट आ गई निफ्टी 50 की, और आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिख रहा होगा, देखो सर यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज भी दिख रहा होगा, तो 2% ही चढ़े हैं। अब गिरने वाले स्टॉक्स में देखते हैं, यहाँ 2% गिरे हैं, ठीक है? अब दूसरा कोई स्टॉक निकाल के दे, निफ्टी 50 से थोड़ा सा बाहर आते हैं, नेक्स्ट 50 में जाते हैं, नेक्स्ट 50 में कोई मिला क्या? अब परसेंटेज 2% ही है और नीचे गिरने वाले 3% ही दिख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट 50 से थोड़ा सा बाहर आ गए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट वोल्टास 5%, ये देखो DHFL मिल गया 11%, रिलायंस इंफ्रा 13%, निफ्टी मिड कैप ये देखो सर वोल्टास 9%, कर सकते हो, सब में काम करेगा, खुद बैक टेस्ट करो, मुझे बताओ किसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे लिस्ट मिल गई है, DBL, VAR, RC, ROC, R Power, QEWS, Quest, Lance Capital, DHFL, Lance Infra। अब कल इसको रडार पे लगा लो अपने सिस्टम पे, अब ये गिरे हुए हैं, अगर गैप डाउन खुला और ऊपर की तरफ आया तो आपको पता है बाई कर लो, सेल करने। और सेक्टर वाइज निफ्टी ऑटो देख लोगे, देखो निफ्टी ऑटो में भी आ गया आपका, कोई है 3%, अपोलो टायर छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, रूल इज रूल। बैंक निफ्टी में निफ्टी के स्टॉक्स, बैंक निफ्टी वाले कुछ नहीं आया छोड़ दो। निफ्टी एनर्जी ये देखो 13%, रिलायंस इंफ्रा आ गया,
ऐसे आप निकाल सकते हो, अपने एनालिसिस के लिए इस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर सर? जाते जाते एक बार स्ट्रेटजी रिवाइज कर दीजिए ना प्लीज। सर देखिए, सुनिएगा, पहला दिन का जो कैंडल है मिनिमम 5% का मूव होना चाहिए, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। अगर रेड है तो हमें क्या करना है, बाई करना है, अगर ग्रीन है तो हमें सेल करना है। क्लियर? अब अगर रेड है तो ऑब्वियसली बात है हमें बाई करना है, तो बाई कहाँ, नीचे जब खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन के बाद जब ऊपर आएगा तो वो रेड कैंडल के लो के पास बाई कर लेना है, और जो टारगेट होगा रेड कैंडल का हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, जो भी पॉइंट्स आएगा वो दैट इज योर टारगेट। क्लियर? सर बेवकूफ बनाने के लिए बने हो, मत पड़ो इन सब चक्करों में। सर पैसा बनने लगता ना ऐसे इतना आसानी से, और सिंपल सी चीज बता रहा हूँ सर, इंडिकेटर बनाया इसलिए जिससे कि आपको ना इसी इंडिकेटर के माया जाल में ना फंसा के रखें, आप इससे बाहर ही ना पाओ, क्योंकि इंडिकेटर इतना आसान है, सबको पता है, सबको पता है इंडिकेटर का गेम, बट पैसा भी बना पाया नहीं बना पाया, तो इंडिकेटर की दुनिया से बाहर निकलो। ठीक है, बेसिक पे फोकस करो, बेसिक अपने आप में चीख चीख के आपको बोलेगा बाई कर सेल कर। ये इंडिकेटर आपको बनाया इसलिए कि आपको इसी के अंदर ना घुमा के रखें, आपको बेवकूफ बना के रखें इसी के अंदर, आप इससे इसकी दुनिया से बाहर ही ना आ पाओ इसीलिए। और मैं अपनी क्लास में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जीरो से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा मल्टी कंफर्मेशन की। अगर 5 चीज़ें मेरे को बाई बोल रही है तभी मैं बाई करता हूँ, 5 में से 4 चीज़ें बाई बोलेंगी मैं नहीं करता हूँ। सीक्रेट मैं आपको रियल मैजिक प्रैक्टिकल चीज़ें सीधे ट्रिक बताऊंगा, कोई ज्ञानबाजी नहीं, सीधे ट्रिक, कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सीधे FIs कहाँ पोजिशन बनाते हैं वो बताऊँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी, पोजिशनल स्ट्रैटेजी, इक्विटी की स्ट्रैटेजी एक और दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देने वाला हूँ, और ये जो 10 दिन का सेशन है, 10 दिन में जो भी आपको होमवर्क दूंगा आप अपने घर पे जाके लाइव मार्केट में उस चीज़ को टेस्ट करो, फीडबैक लेके आओ। सबसे पहले मैं आपका कॉपी चेक करूँगा, जैसे अपन स्कूल में चेक करते थे, हेडमास्टर हमारा कॉपी चेक करता था, तो डेली बेसिस पे जो आपका गलतियाँ कर रहे हो वो आपको पता चल जाए डेली बेसिस पे, और ये 10 दिन नहीं है लाइफ टाइम है। चार्ट भेजो, मैं बताऊँगा आपने सही बनाया नहीं बनाया। सर ट्रेडिंग करना जरूरी है नहीं है वो बात की बात है, बट ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, क्या टर्म्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल, अगर जंगल में जाके शिकार करना है तो पहले जंगल में जाने लायक तो बनो, पहले जंगल में जाने के लिए प्रिपरेशन तो करो। अगर वॉर हो रही है तो हमारे सोल्जर्स डेली प्रैक्टिस करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि भैया दिन रात मस्ती कर रहे हैं, जब वॉर हुई पहुंच गए वहां पे बंदूक उठा के, कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। डेली वो इस बेस पे प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं कि भैया कभी भी जंग हो सकती है, बट डेली हमें, हमारे लिए वो जंग है, डेली हमें प्रैक्टिस करनी है। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे अचानक से जंग आएगी तब हम फाइट कर सकते हैं। तो अभी प्रिपेयर करो अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा आप एक दिन में ट्रेड कर लोगे, बट डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा मार्केट में बैठना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा लाइव मार्केट में बैठो, रात को बैठो 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाना खाने के बाद जब बैठना है बैठो, लेकिन डेली 1 घंटा मुझे दे दो, आई विल गिव यू माई बेस्ट, और सर हो सकता है मुझसे भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा था, टचवुड उनके आशीर्वाद से, उनके उससे सब कुछ आज एक मुकाम पे पहुंचा हूं, आप लोग को दिखा रहा हूं, अच्छी चीज़ें दे रहा हूं, 22,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर में, बहुत सारे मेल्स आते हैं, फीडबैक मिलते हैं, आप लोगों को शेयर करता हूं, आप लोगों का प्यार है मेरे लिए सर, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने मेहनत करी है, बिना मेहनत के शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता है। अगेन एक और मूल मंत्र, 10 स्ट्रैटेजी को सीखने से अच्छा है 1 ही स्ट्रैटेजी को 10 बार सीख लो, सक्सेस बन जाओगे, लाइफ सक्सेस हो जाएगी। हनुमान चालीसा इतना टफ है, एक बार में याद कर सकते हो, एक बार में याद कर सकते हो, यस और नो? नो, टंग ट्विस्टिंग है, नहीं कर सकते, लेकिन 1 महीना रोज सिर्फ 1 बार उसको पढ़ लो, 1 महीने बाद आपको यू टिप्स पे हो जाएगा हनुमान चालीसा। ये मेरे साथ लाइव एग्जांपल है सर, है कि नहीं? तो यही स्टॉक मार्केट है सर, स्विमिंग करते हो या फिर कुछ भी, कुछ भी, तो
तो सर पहले दिन में नहीं आएगा, एक दिन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, बस 10 बार कर लो वही स्विमिंग आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ किसी को गाली देने से अच्छा है यहाँ नहीं समझ में आया वहाँ चले गए, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है सर, पानी में कूदोगे तभी समझ में आएगा, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी याद होगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि याद कोई करा देगा, घुट्टी बनाई और आपको पिला दिया और याद हो गया, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आप ही को करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? अगेन जीपीएस आपको हाथ में दे दूंगा, फिर आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा, लेकिन जाना आप ही को है, मैं नहीं जाऊंगा, बट जीपीएस आपको दे दूंगा। तो ये जो ट्रेडिंग टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, दैट आई एम गोना टू गिव यू। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, किसी का डाउट है सर? सर श्वेता देसाई। यस सर। मैम मेरा जो चार्जेस है, यस ये तो मैं बताना भूल गया, मेरा चार्जेस इसमें 15,000 रुपीज़ है, जिसके अंदर ये सारा इंक्लूड है। लाइफ टाइम सपोर्ट नॉट पॉसिबल, लाइफ टाइम मेंटरशिप नॉट पॉसिबल, बट मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको जहाँ दूसरों के पास तकलीफ होती है ना जो चीज़, मैं वहाँ पर आपको सपोर्ट दे के आपको खड़ा करना चाहता हूँ। पैशन आप लाओ, सीखने की काबिलियत आप मुझे दिखाओ, मैं आपको ट्रेन करने को तैयार हूँ, मैं अपना टाइम देने को तैयार हूँ, और कोई किसी से नहीं, मैं डायरेक्ट आपको ट्रेन करूंगा। रिवीजन, अच्छा हाँ, 10 दिन का क्लास है, अगर कोई किसी दिन नहीं अटेंड कर पाया, किसी दिन छुट्टी ले ली, तो मुझे प्लीज बता देना, सो दैट सैटरडे संडे मैं उनका वो टॉपिक उस दिन कवर कर दूंगा, उसके बाद मैं रिवीजन सेशन भी लूंगा आप लोगों का, ठीक है? तो आपके अंदर इतना मेरे पास आना, जो आपके पास नॉलेज है ना पूरा वॉश आउट करके मेरे पास फ्रेश माइंड से आना, और जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रैक्टिस कर लेना, लाइफ बदल जाएगी सर, लाइफ बदल जाएगी। और आई एम टॉकिंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अगेन पिन पॉइंट आपने देखा है, मैं उसी चीज की बात करूंगा। सर या श्वेता मैम, सर इसमें कोई रेफरल डिस्काउंट भी है? क्योंकि मैं रोहित पासवानी का रेफरल मुझे मिला था आपके लिए। ओके ओके, तो कोई मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बट स्टिल माय मोटो इज, मेरा ये जो पैकेज है, स्ट्रैटेजी भी दे रहा हूँ, लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा हूँ, 10 दिन का क्लास दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, मल्टी कंफर्मेशन A to Z स्ट्रैटेजी दूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। इसके अलावा जो आप सोच नहीं सकते हो, मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया जो आप सोचते हो, और मैं जो दूसरे तरीके से दिखाऊंगा कहाँ FIs, फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं, रियल ब्रेकआउट क्या होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। इतनी सारी चीज़ें मैं 15,000 में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर प्रोफेशनल ट्रेडर का मैं सेमिनार लेता हूँ, आई एम चार्जिंग 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रैटेजी का, सिर्फ स्ट्रैटेजी का, उसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं है, टेक्निकल नहीं बताता, डायरेक्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि भाई ऐसे कर ले ऐसे कर ले, क्रूड ऑयल की ये स्ट्रैटेजी है, गोल्ड की स्ट्रैटेजी है, निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, SBI की स्ट्रैटेजी है, मारुति की स्ट्रैटेजी है, सबकी स्ट्रैटेजी मेरे पास है, मेहनत करके बना ली है, ठीक है? बट ये 15,000 रुपये रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक आम आदमी के पास, कि कहीं बेवकूफ ना बनो आप लोग। बेवकूफ जो लोग बना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा बाहर आके सोचो कि वो क्यों दिखा रहे हैं, सही चीज आपको मिल जाए। बस मेरा ये, मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी ही सिर्फ सीख लोगे मैम, सब छोड़ दो, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी सीख लोगे, आज सिखाया ना कल से काम करना चालू कर दोगे, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इतना सिंपल स्ट्रेटेजी है। जी सर, यही मैं कहना चाह रहा था। जी जी कल्पेश जी, बोलिए। सर हैदराबाद में है आप, तो फिर हम मतलब इन द नेट से ही क्लास होगी कि आप कहीं? सर मेरा 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 अभी दो ही क्लास है, मैं अभी 10 तारीख से मेरा क्लास है, 10th of June से, ठीक है, 10 तारीख से मेरा क्लास है, और 10 वर्किंग डेज का होता है, सैटरडे संडे मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? और मैं रोज रात को 9 बजे से, मैं बता रहा हूँ, मैं रोज रात को 9 बजे से 10, 10:30 बजे की हमारी क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें मैं आपका सबसे पहले 50% टाइम आपका कॉपी चेक करूंगा, आपकी गलतियां पकड़ूंगा, आपने कहाँ गलती करी, क्या करी, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ सर, टाइम पे बिलीव नहीं रखता, मैंने 3 घंटे डेमो में दे दिए, 1 घंटा बोल गए। इंपॉर्टेंट इज आपको चीज़ें मेरी क्लियर होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ मेरे जैसा, मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे जैसा सोचने लग जाओ, तभी पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, आपको पता है क्या रिजल्ट है, राइट? तो मेरा 10 जून से 10 दिन की क्लास है, रात को 9 बजे से ऑनलाइन क्लास होगी, और 22 और 23 तारीख को मैं दिल्ली वर्कशॉप आ रहा हूँ, फिर दिल्ली आने के लिए कम से कम मुझे 6 महीने लगेंगे,
तो जो भी आस पड़ोस के लोग हैं दिल्ली के नियर बाई जो भी सिटीज हैं, मोस्ट वेलकम। ये जो मैंने आपको दिया है, मैं अगेन हर डेमो में कुछ नया देता हूँ। जिसने मेरा पुराना डेमो लिया था, इस बार नया डेमो लिया, कुछ अलग चीज़ दी। ऐसे ही जो मैं ऑनलाइन दूंगा और जो वहाँ दूंगा, कुछ ना कुछ फिर अलग दूंगा। डिपेंड आपके ऊपर है, आप मुझ पे कहाँ तक लेके आ सकते हो। आपका क्लास का स्ट्रेंथ मुझे जानना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। आपको मैं सिर्फ एक नॉर्मल रिवॉल्वर चलाना सिखाऊं, या फिर एक AK-47 चलाना सिखाऊं, या तोप चलाना सिखाऊं। आपका कैपेबिलिटी है रिवॉल्वर, तो मैं आपको रिवॉल्वर सिखाऊंगा। आपका कैपेबिलिटी तोप, तो मैं आपको तोप चलाना सिखाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बट मैं चाहता हूं जितना सिंपल हो, क्योंकि आपकी पहली सीढ़ी है, जितने सिंपल तरीके से जाओगे, जैसे मैंने सीखा स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज का स्टेप होता है, शॉर्टकट लोगे गिरोगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, किसी का डाउट? हाँ मोहित जी बोलिए। सर सेम चार्जेस 15,000 रुपीज फॉर वर्कशॉप, और ऑनलाइन क्लास का 15,000 5 रुपीज एक्स्ट्रा है ऑनलाइन का, और वर्कशॉप का 15,000 है। वर्कशॉप में आपका लंच और टी स्नैक्स वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह हमारी तरफ से रहेगा, प्लस वहाँ पे आपका टाइमिंग जो रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक 2 दिन का क्लास रहेगा। 2 दिन का, ठीक है। और ये 10 तारीख के लिए एनरोल करना होगा अभी ऑनलाइन? आप सर हाँ ऑनलाइन मेरे को, आप जिसको भी बैंक डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और प्लीज़ बुक कर लीजिए। मैं लिमिटेड सीट्स लेता हूँ, मैं ज़्यादा भीड़ नहीं रखता हूँ। 50-60 बंदों का बैच नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि 50-60 बंदों का बैच, आपको ही पता है, आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे होंगे तो किसी पे फोकस नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं सिर्फ 25-30 बैच का स्टूडेंट लेता हूँ। जल्दी जल्दी बुक कर लीजिए, भर जाएगा। एक महीना फिर वेट करो, नेक्स्ट मंथ मेरा क्लास चालू होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बुक योर सीट एज सून एज पॉसिबल गाइस। वेट मत करो, एक बार 25 सीटें फुल, आई विल नॉट टेक एनी सिंगल स्टूडेंट। ठीक है सर, मैं अभी कर देता हूँ, मैं पहले काफी लेट हो चुका हूँ। आई एम फॉलोइंग यू फॉर सो मेनी मंथ्स एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड आई थिंक अमेजिंग। आज का जो सेशन है, आपने जो अभी स्टडी बताया, मैं उसको चेक उसको साथ साथ चार्ट पे देख भी रहा हूँ, एंड इट्स वेरी वर्थ इन माय स्टडी कर देता। अरे थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, एडवांस हो सर, आप फुल टेक्नोलॉजी अभी यूज कर लिया, वेरी नाइस, थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट सर, आप लोग ये जो ब्लेसिंग्स देते हो ना सर, ये मेरे लिए बहुत है। पैसा मेरे ऊपर भगवान की दुआ से टचवुड एक अच्छे लेवल पे बैठा हूँ, अच्छा पोर्टफोलियो है, अपने लिए ट्रेड करता हूँ, स्ट्रेटेजीज है, सब कुछ है सर, बस प्यार चाहिए, वो आप लोगों से मिल जाए, बहुत है मेरा। सर प्लीज सर, सब चीज मत बनवाओ मेरे से, हार्ड मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कल लेके आओ, मैं आपको बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो मेरे को बोलना सर आपने प्रॉमिस किया था बताने के लिए नहीं बताया। होमवर्क करो, होमवर्क लिया वो करना है सिंसियरली आपका। स्क्रीनशॉट है यदि आपके पास है पुराना, नहीं कोई मेरा कोई स्क्रीनशॉट। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये सुन लेना, वेबिनार का चाहे सेमिनार का मैं कोई ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ किसी को भी, क्योंकि मेरा सीक्रेट मैं नहीं चाहता कहीं रिवील हो, क्योंकि मार्केट में मुझे पता है अभी भी इस क्लास में भी ना बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो टिप्स प्रोवाइडर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोस्ट वेलकम, वो भी मेरे लिए इंसान है, जो अच्छे हैं बुरे हैं सब मेरे लिए एक बराबर है, क्योंकि एज अ टीचर वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता है। तो मेरी जो सीक्रेट है सर, कुछ तो मेरे पास रहने दीजिए ना, तो वो सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्लास के अंदर, जिसने समझ लिया सीख लिया। इसलिए 70% कंटेंट मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, बाकी 30% सिर्फ और सिर्फ मेरा रियल पैसा बनाने का मंत्र दूंगा, सीधे पैसे कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, नो बकवासबाजी, दैट इज रियल मैजिक ऑफ मनी, जो मेरा 30% सीक्रेट है, मैं कहीं रिवील नहीं करता हूँ जी। वो अपने दिमाग में रखनी होगी सब कुछ। यस, वो आपको अपने दिमाग में फीड करना है, क्योंकि मैंने गलती से आपको दे दिया तो सर आपने पूरे एक जगह पे भी ढिंडोरा पीट दिया ना सर, फिर समझ लो स्ट्रैटेजी वही होती है जो कम से कम लोगों को पता चले, अगर ज्यादा लोगों को पता चल गया तो स्ट्रैटेजी वो फेल हो जाती है। मेरा गलती नहीं है, मेरे पास दूसरी स्ट्रैटेजी फिर बना लूंगा मैं, नुकसान आपका हो जाएगा। सही बात, आप तो मास्टर हो, आप तो टीचर हो ना, इसलिए आप तो बना लोगे, लेकिन औरों के लिए परेशानी हो जाएगी। सर क्रूड ऑयल की इतनी माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है ना मेरे पास, आप लोगों को चलो जो ओपन चैलेंज किसी पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना जो M6 में काम करते हैं, ज्वाइन करो। अभी तक मैं बोलता था निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दूंगा,
मैं आपको इस बैच में आपको क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी भी दूंगा, और ऐसी स्ट्रेटेजी माइंड ब्लोइंग, ढक्कन खोल देगा, नो इंडिकेटर, सिर्फ प्राइस एक्शन, और स्टार्टिंग का आधे घंटे में पता चल जाएगा आपको बाई करना है या सेल करना है, सिर्फ आधे घंटे में। तो 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:30 बजे आपको पता चल जाएगा भैया ये मेरा बाइंग लेवल है, ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट, बात खत्म। बैक टेस्ट खुद करना और मुझे बता देना, वो सिर्फ पेड क्लाइंट, मेरे पेड उसके लिए है, सिर्फ ये इसी बैच के लिए, सारे बैच पे नहीं है, प्लीज रिवील मत करना। तो जो इस बार ज्वाइन करेगा सिर्फ उसको दे रहा हूँ, नेक्स्ट बैच पे नहीं दूंगा, ठीक है? साउथ फ्रीज में तो और भी अच्छा हो जाएगा अगर हम कुछ भी कुछ कुछ ही स्क्रिप्ट्स में काम करें, 10 अच्छी स्क्रिप्ट चल रही है जो आप भी बताते हैं, तो वाले के अंदर हम काम करते रहे तो मेरे ख्याल भी बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जैक्टली मैं यही तो बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ 10 स्ट्रेटेजी पे काम करो, एक ही स्ट्रेटेजी को 10 बार काम करो, जैसे हनुमान चालीसा रोज एक बार पढ़ो, 30 दिन लगातार पढ़ लो, काम हो गया। Getting your point? ठीक बात है। Yes, 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 of course. Thank you, thank you. और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा 2-4 लोग प्लीज फीडबैक दे दीजिए, सो दैट मैं ये वीडियो अपना डालने वाला हूँ तो और लोगों को भी हेल्प होगा, वाकई में अच्छा था नहीं था, जिससे कि थोड़ा सा और लोगों को मोटिवेट हो। एनीवन कोई बताना चाहेगा कुछ? कुछ मिला नहीं मिला, कुछ चीज दी निकाल के या नहीं दी? अनिल कुमार जी बोल रहे वेरी नाइस सुपर सेशन, लता जी बोल रहे वेरी गुड सर, शिव कुमार जी नाइस एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू सो मच, हेड्स ऑफ, थैंक यू एक्सीलेंट, रियली आई विल स्लीप विद स्माइलिंग फेस टुडे, अरे वाह वाह, ये होता है फीडबैक। डुबकी लगा ली सर, आज पता चल गया डुबकी लगा के बाहर आ गए हो, समझ गए। अरे अरे सर ऐसा फीडबैक दे दोगे तो लाइफ बदल जाएगी हमारी भी सर, मजा आता है पता है ऐसे फीडबैक। ओम में डुबकी लगा के बाहर निकलते ऐसे निकल गए आज ये पता चल गया। सर ये तो सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ ट्रेलर है, पूरी दुनिया तो बची भी अभी। माफी मांग लेना अपनी बीवियों से, दोस्तों से, भाई से, पापा से, अंकल से, जिनसे भी प्लीज है ना, उनको मेरा नाम मत बताना नहीं तो अगली बार खत्म। ठीक है, मेरे को इग्नोर मत करना सर, मेरा नंबर भी हाइड करके रखना प्लीज, इट्स अ वेरी गुड टू हियर। सर आप लोगों का एक हेल्प चाहिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को ट्विटर पे लाइक देते रहिए, रिट्वीट करते रहिए और यूट्यूब में लाइक दिए, व्यूज़ दीजिए। सर आप सुबह जाते ही पहले आपका ही ट्विटर बोलते हैं। अरे वाह थैंक यू सर, दिन बना सर रात बना दोगे आज मेरी सर, बस हो गया, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए ओके ओके, डायबिटीज हो जाएगा सर मेरे को, इतने अच्छे और इतने प्यारे फीडबैक दे रहे हैं सर, न्यूज़ दिल खुश जा रहा है जी। एक तरफ न्यूज का पोर्टल खुला रहता है और एक तरफ आपका ट्विटर खुला रहता है। प्लीज फॉलो करिए सर, क्लोजली फॉलो करिए, मेरा कोशिश यही है आपको अच्छी चीज दूं, सही डायरेक्शन पे लेके जाऊं, किसी टिप्स वाले को पैसे देने की जरूरत ना पड़े, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो 15,000 रुपए, लाइफ बदल जाएगी सर, आज नहीं कल नहीं अगेन, एक बार दो बार पांच बार 10,000 15,000 20,000 कर लोगे ना, मैं बैठा हूँ आपके साथ, करो तो सही, नियत तो लाओ सीखने की, जब नियत लाओगे ना मैं बैठा हूँ साथ में आपके, नहीं दूंगा सपोर्ट बोलना, आपको फीडबैक मेरे मिल जाते होंगे, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और उनके फीडबैक पढ़ लो आप लोग, तो तिनके को कहते हैं ना वो डूबते को तिनका सहारा, तो वो चीज़ है, अपनी तरफ से बेस्ट करता हूं, बाकी हर तरह के लोग मिलते हैं, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, मोस्ट वेलकम सर, ये दुनिया है मोस्ट वेलकम। चलिए जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।